हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बैड न्यूज़ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार स्टार विक्की कौसल सर के फैन हैं और कॉमेडी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन संगीत बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की डिटेल भी आपको देंगे उसके अलावा इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और बताएंगे इसके रिव्यू के साथ साथ कि आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म बैड न्यूज आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक कॉमेडी फिल्म है एमेजॉन प्राइम और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ साथ लियो मीडिया कलेक्टिव द्वारा यह फिल्म निर्मित की गई और सच्ची घटनाओं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली गई है और इस फिल्म में बिक्की कौशल तृप्ति डिमरी और एमी वीरक हैं यह फिल्म यानी कि गुड न्यूज़ 2019 का आध्यात्मिक सीक्वल भी है और ये हैपोरोपैट्रन सुपरफेंड सुपरफेंडे के इर्द गिर्द घूमती है यह अमेजोन प्रक्रिया जिसमें यह एक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जुड़वा बच्चे एक ही माह से पैदा होते हैं लेकिन उनके जैविक पिता अलग अलग होते हैं ये उसी के ऊपर यह फिल्म को बनाया गया है अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर तो बता दें कि फिल्म को निर्देशित किया है आनंद तिवारी ने और फिल्म की कहानी को लिखा है इसता मोइत्रा और तरुण डुडेरा ने फिल्म को उत्पादित किया गया है करण जौहर यश जौहर अपूर्वा मेहता अमृतपाल सिंह विंद्रा और आनंद तिवारी के द्वारा फिल्म के मुख्य कलाकार विक्की कौशल तृप्ति डिमरी और अम्मी विर्क हैं और फिल्म को छायांकित किया है देवोजीत रे और इस फिल्म को संपादित किया है शान मोहम्मद ने फिल्म के जो गाने हैं वो रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ डीजे चेतस और लियो जॉर्ज प्रेम हरदीप करण औजाला और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस फिल्म के गाने दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले के हैं अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के उत्पादन के बारे में तो धर्मा प्रोडक्शंस और लियोफ मीडिया कलेक्टिव और एमेजॉन प्राइम वीडियोज ने इस फिल्म को उत्पादित किया गया है फिल्म को वितरित किया गया है एवे फिल्म ए ए फिल्म के द्वारा और फिल्म की रिलीज की तारीख की अगर बात करें तो उन्नीस जुलाई दो को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म का टोटल बजट तीन अस्सी करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक सौ करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में तो बताएं कि यह फिल्म को लोगों ने क्या रेटिंग दी इस फिल्म को कितना इस फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों इस फिल्म को 5.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज करी गई है वहीं पर 55 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म थिएटर से बाहर निकल चुकी है और यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध करा दी गई है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो बताएं कि यह फिल्म अभी तक टेलीविजन पर लाइव टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है और न ही इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली तरीके से यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेंगे हम आप तक अपने वीडियोज के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे फिल्म को देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना था उसके ऊपर अगर नजर डालें तो बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को पाँच चार पा, आउट ऑफ पांच की रेटिंग दिया और कहा कि कुल मिला बैंड बैड न्यूज एक मजेदार मनोरंजक फिल्म है टाइम ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि एक मज़ेदार कथानक और दो मज़ेदार लोगों के साथ यह एक हंसी का दंगा है और पिंकविला के सीरियल जोमिला ने थ्री आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दिया और इस फिल्म के बारे में बताया कि बैड न्यूज़ एक शुद्ध मज़ेदार मनोरंजक फिल्म है जिसमें ऐसी सम, ऐसी संभावनाएं हैं जिसका अभी तक दो, दोहन नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर विक्की कौशल ने अखिल चड्डा का रोल किया है वहीं पे तृप्ति डिमरी ने सलोनी बग्गा का रोल किया है गुरबीर सिंह पन्नू के रूप में आप एमी वीर को देख पाएंगे सलोनी की मौसी मां कोरोना कोरोना के रूप में आप नेहा धूपिया को देख पाएंगे शिवा चड्डा अखिल की माँ विष्णु चड्डा के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं वहीं पे फैसल रशीद डॉक्टर बावेजा के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं क्यामी राम ने खुशी मामा का सुखी मामा का सुखी मामा का रोल किया है हरमन सतीजा के रूप में आप गुरमीत गुरनीत सिंह सोड़ी को देख पाएंगे और कमलेश कुमारी तेजी का रोल कर रही हैं वहीं पे नवीन कौशिक ने पनामा कैफे मैनेजर का रोल किया है अमरदीप बग्गा के रूप में आप हरनेक कौकल को देख पाएंगे विजय लक्ष्मी सिंह सुनीता बग्गा का रोल कर रही हैं साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर कुछ विशेष कैम्यूज़ भी है इसके अंदर आप अनन्या पांडे को स्वयं के रूप में आप देख पाएंगे जो छोटा सा कैमियो कर रही हैं गजराज राव ने एक अपने ही रूप में एक विशेष कैमियो किया है और नेहा शर्मा ने भी इस फिल्म के अंदर सेजल गुरबी गुरबीर की पूर्व प्रेमिका के रूप में फिल्म में काम करती हुई नजर आई हैं जिनका एक छोटा सा कैमियो भी है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो उससे पहले हम इस फिल्म के गानों के बारे में अगर बात करें तो फिल्म का संगीत रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ लियो जॉर्ज डी चेतस प्रेम हरदीप करण कौज कौजल इत्यादि ने तैयार किया था इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल आठ गाने रखे गए हैं और फिल्म को रिलीज़ करने से पहले इस फिल्म के रिलीजिंग में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे अब बात कर रहे हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो बता दें कि सलोनी बग्गा एक सेफ है जो अपने रेस्टोरेंट को रेस्टोरों को स्टार जीतने का सपना दिखाती है वह अखिल चड्डा से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं हालांकि जल्द ही उनकी शादियों में समस्याएं आने लगती हैं जिससे वे जिससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है उनके रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और परिणाम स्वरूप वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपत्ति तलाक लेने का फैसला करते हैं सलोनी फिर गुरबीर सिंह पन्नू के एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मसूरी चली जाती है घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है और उसी रात अखिल उसके कमरे में आ जाता है उसे वापस चाहता है और वो दोनों एक साथ फिर रात बिताते हैं और इस मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती हो जाती है बच्चों के पिता का निर्धारण करने के लिए पितृत्व परीक्षण कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह जुड़ुआ बच्चों की मां बनने वाली है मामले को बदतर बनाने के लिए उसे के डॉक्टर ने उसे हेटेपोरेटनल सुपर फैंडक्शन नाम की एक बहुप्रक्रिया का दुर्लभ घटना से परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता हैं ऐसा डॉक्टर का मानना है जो अखिल और गुरबीर सिंह के सामने आ जाती है अब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है तो क्या अब कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है और क्या क्या होता है आगे ये सारी चीज़ें कॉमेडी से लैस हैं वो सारी चीज़ें ही आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बैड न्यूज तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलेगा ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार स्टार विक्की कौशल सर के फैन हैं और कॉमेडी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन संगीत बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की डिटेल भी आपको देंगे उसके अलावा इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी, भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और बताएंगे इसके रिव्यू के साथ साथ कि आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म बैड न्यूज आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक कॉमेडी फिल्म है एमेजॉन प्राइम और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ साथ लियो मीडिया कलेक्टिव द्वारा यह फिल्म निर्मित की गई और सच्ची घटनाओं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली गई है और इस फिल्म में बिक्की कौशल तृप्ति डिमरी और एमी वीरक हैं यह फिल्म यानी कि गुड न्यूज़ 2019 का आध्यात्मिक सीक्वल भी है और ये हैपोरोपैट्रन सुपरफेंड के इर्द गिर्द घूमती है यह अमेजोन प्रक्रिया जिसमें यह एक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जुड़वा बच्चे एक ही माँ से पैदा होते हैं लेकिन उनके जैविक पिता अलग अलग होते हैं यह उसी के ऊपर यह फिल्म को बनाया गया है अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर तो बता दें कि फिल्म को निर्देशित किया है आनंद तिवारी ने और फिल्म की कहानी को लिखा है स्थिति मोइत्रा और तरुण डुडेजा ने फिल्म को उत्पादित किया गया है करण जौहर यश जौहर अपूर्वा मेहता अमृतपाल सिंह विंद्रा और आनंद तिवारी के द्वारा फिल्म के मुख्य कलाकार विक्की कौशल तृप्ति डिमरी और अम्मी विरख हैं और फिल्म को छायांकित किया है देवोजीत रे और इस फिल्म को संपादित किया है शान मोहम्मद ने फिल्म के जो गाने हैं वो रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ डीजे चेतस और लियो जॉर्ज प्रेम हरदीप करण औजाला और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस फिल्म के गाने दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले के हैं अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के उत्पादन के बारे में तो धर्मा प्रोडक्शंस और लियोफ मीडिया कलेक्टिव और एमेजॉन प्राइम वीडियोज ने इस फिल्म को उत्पादित किया गया है फिल्म को वितरित किया गया है ए वे फिल्म ए ए फिल्म के द्वारा और फिल्म की रिलीज की तारीख की अगर बात करें तो 19 जुलाई 2024 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था फिल्म की कार्यक्रम अवधि 140 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म का टोटल बजट तीन करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में तो बताएं कि यह फिल्म को लोगों ने क्या रेटिंग दी इस फिल्म को कितना इस फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों इस फिल्म को 5.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज करी गई है वहीं पर 55 फाइव परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म थिएटर से बाहर निकल चुकी है और यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध करा दी गई है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इंफॉर्मेशंस की तो बताएं कि यह फिल्म अभी तक टेलीविजन पर लाइव टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है और न ही इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली तरीके से यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेंगे हम आप तक अपने वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे फिल्म को देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना था उसके ऊपर अगर नजर डालें तो बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को चार पा, आउट ऑफ पांच की रेटिंग दिया और कहा कि कुल मिला बैंड बैड न्यूज एक मजेदार मनोरंजक फिल्म है टाइम ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि एक मज़ेदार कथानक और दो मज़ेदार लोगों के साथ यह एक हंसी का दंगा है और पिंकविला के सीरियल जोमिला ने थ्री आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दिया और इस फिल्म के बारे में बताया कि बैड न्यूज़ एक शुद्ध मज़ेदार मनोरंजक फिल्म है जिसमें ऐसी सम, ऐसी संभावनाएं हैं जिसका अभी तक दो, दोहन नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर विक्की कौशल ने अखिल चड्डा का रोल किया है वहीं पे तृप्ति डिमरी ने सलोनी बग्गा का रोल किया है गुरबीर सिंह पन्नू के रूप में आप एमी वीर को देख पाएंगे सलोनी की मौसी माँ कोरोना कोरोना के रूप में आप नेहा धूपिया को देख पाएंगे शिवा चड्डा अखिल की माँ विष्णु चड्डा के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं वहीं पर फैसल रशीद डॉक्टर बावेजा के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं क्यामी राम ने खुशी मामा का सुखी मामा का सुखी मामा का रोल किया है हरमन सतीजा के रूप में आप गुरमीत गुरनीत सिंह सोढ़ी को देख पाएंगे कमलेश कुमारी तेजी का रोल कर रही हैं वहीं पे नवीन कौशिक ने पनामा कैफे मैनेजर का रोल किया है अमरदीप बग्गा के रूप में आप हरनेक कौकल को देख पाएंगे विजय लक्ष्मी सिंह सुनीता बग्गा का रोल कर रही हैं साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर कुछ विशेष कैमियोज भी है इसके अंदर आप अनन्या पांडे को स्वयं के रूप में आप देख पाएंगे जो छोटा सा कैमियो कर रही हैं गजराज राव ने एक अपने ही रूप में एक विशेष कैमियो किया है और नेहा शर्मा ने भी इस फिल्म के अंदर सेजल गुरबी गुरबीर की पूर्व प्रेमिका के रूप में फिल्म में काम करती हुई नजर आई हैं जिनका एक छोटा सा कैमियो भी है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो उससे पहले हम इस फिल्म के गानों के बारे में अगर बात करें तो फिल्म का संगीत रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ लियो जॉर्ज डी चेतस प्रेम हरदीप करण कौजल इत्यादि ने तैयार किया था इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल आठ गाने रखे गए हैं और फिल्म को रिलीज़ करने से पहले इस फिल्म के रिलीजिंग में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे अब बात कर रहे हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो बता दें कि सलोनी बग्गा एक सेफ है जो अपने रेस्टोरेंट को रेस्टोरों को मेराकी स्टार जीतने का सपना दिखाती है वह अखिल चड्डा से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं हालांकि जल्द ही उनकी शादियों में समस्याएं आने लगती हैं जिससे वे जिससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है उनके रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और परिणाम स्वरूप वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपत्ति तलाक लेने का फैसला करते हैं सलोनी फिर गुरबीर सिंह पन्नू के एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मसूरी चली जाती है घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है और उसी रात अखिल उसके कमरे में आ जाता है उसे वापस चाहता है और वो दोनों एक साथ फिर रात बिताते हैं और इस मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती हो जाती है बच्चों के पिता का निर्धारण करने के लिए पितृत्व परीक्षण कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह जुड़ुआ बच्चों की मां बनने वाली है मामले को बदतर बनाने के लिए उसे के डॉक्टर ने उसे हेटेपोरेटनल सुपर ट्रांजेक्शन नाम की एक बहुप्रक्रिया का दुर्लभ घटना से परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता हैं ऐसा डॉक्टर का मानना है जो अखिल और गुरबीर सिंह के सामने आ जाती है अब प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है तो क्या अब कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है और क्या क्या होता है आगे ये सारी चीजें कॉमेडी से लैस हैं वो सारी चीजें ही आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बैड न्यूज तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार स्टार विक्की कौशल सर के फैन हैं और कॉमेडी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन संगीत बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की डिटेल भी आपको देंगे उसके अलावा इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी, भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और बताएंगे इसके रिव्यू के साथ साथ कि आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म बैड न्यूज आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक कॉमेडी फिल्म है एमेजॉन प्राइम और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ साथ लियो मीडिया कलेक्टिव द्वारा यह फिल्म निर्मित की गई और सच्ची घटनाओं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली गई है और इस फिल्म में बिक्की कौशल तृप्ति डिमरी और एमी वीरक हैं यह फिल्म यानी कि गुड न्यूज़ 2019 का आध्यात्मिक सीक्वल भी है और ये हैपोरोपैट्रन सुपरफ्रेंड सुपरफेंडे के इर्द गिर्द घूमती है यह अमेजोन प्रक्रिया जिसमें यह एक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जुड़वा बच्चे एक ही माह से पैदा होते हैं लेकिन उनके जैविक पिता अलग अलग होते हैं यह उसी के ऊपर यह फिल्म को बनाया गया है अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर तो बता दें कि फिल्म को निर्देशित किया है आनंद तिवारी ने और फिल्म की कहानी को लिखा है स्थिति मोइत्रा और तरुण डुडेरा ने फिल्म को उत्पादित किया गया है करण जौहर यश जौहर अपूर्वा मेहता अमृतपाल सिंह विंद्रा और आनंद तिवारी के द्वारा फिल्म के मुख्य कलाकार विक्की कौशल तृप्ति डिमरी और अम्मी विर्क हैं और फिल्म को छायांकित किया है देवोजीत रे और इस फिल्म को संपादित किया है शान मोहम्मद ने फिल्म के जो गाने हैं वो रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ डीजे चेतस और लियो जॉर्ज प्रेम हरदीप करण औजाला और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस फिल्म के गाने दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले के हैं अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के उत्पादन के बारे में तो धर्मा प्रोडक्शंस और लियोफ मीडिया कलेक्टिव और एमेजॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को उत्पादित किया गया है फिल्म को वितरित किया गया है एवे फिल्म ए ए फिल्म के द्वारा और फिल्म की रिलीज की तारीख की अगर बात करें तो 19 जुलाई 2024 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था फिल्म की कार्यक्रम अवधि 140 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म का टोटल बजट तीन करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में तो बताएं कि यह फिल्म को लोगों ने क्या रेटिंग दी इस फिल्म को कितना इस फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों इस फिल्म को 5.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज करी गई है वहीं पर 55% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म थिएटर से बाहर निकल चुकी है और यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध करा दी गई है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इंफॉर्मेशंस की तो बताएं कि यह फिल्म अभी तक टेलीविजन पर लाइव टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है और न ही इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली तरीके से यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेंगे हम आप तक अपने वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे फिल्म को देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना था उसके ऊपर अगर नजर डालें तो बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को चार पा, आउट ऑफ पांच की रेटिंग दिया और कहा कि कुल मिला बैंड बैड न्यूज एक मजेदार मनोरंजक फिल्म है टाइम ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि एक मज़ेदार कथानक और दो मज़ेदार लोगों के साथ यह एक हंसी का दंगा है और पिंकविला के सीरियल जोमिला ने थ्री आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दिया और इस फिल्म के बारे में बताया कि बैड न्यूज़ एक शुद्ध मज़ेदार मनोरंजक फिल्म है जिसमें ऐसी सम, ऐसी संभावनाएँ हैं जिसका अभी तक दो, दोहन नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर विक्की कौशल ने अखिल चड्डा का रोल किया है वहीं पे तृप्ति डिमरी ने सलोनी बग्गा का रोल किया है गुरबीर सिंह पन्नू के रूप में आप एमी वीर को देख पाएंगे सलोनी की मौसी माँ कोरोना कोरोना के रूप में आप नेहा धूपिया को देख पाएंगे शिवा चड्डा अखिल की माँ विष्णु चड्डा के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं वहीं पर फैसल रशीद डॉक्टर बावेजा के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं क्यामी राम ने खुशी मामा का सुखी मामा का सुखी मामा का रोल किया है हरमन सतीजा के रूप में आप गुरमीत गुरनीत सिंह सोडी को देख पाएंगे कमलेश कुमारी तेजी का रोल कर रही हैं वहीं पे नवीन कौशिक ने पनामा कैफे मैनेजर का रोल किया है अमरदीप बग्गा के रूप में आप हरनेक कौकल को देख पाएंगे विजय लक्ष्मी सिंह सुनीता बग्गा का रोल कर रही हैं साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर कुछ विशेष कैमियोज भी है इसके अंदर आप अनन्या पांडे को स्वयं के रूप में आप देख पाएंगे जो छोटा सा कैमियो कर रही हैं गजराज राव ने एक अपने ही रूप में एक विशेष कैमियो किया है और नेहा शर्मा ने भी इस फिल्म के अंदर सेजल गुरबी गुरबीर की पूर्व प्रेमिका के रूप में फिल्म में काम करते हुए नजर आई हैं जिनका एक छोटा सा कैमियो भी है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो उससे पहले हम इस फिल्म के गानों के बारे में अगर बात करें तो फिल्म का संगीत रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ लियो जॉ डी चेतस प्रेम हरदीप करण कौज जौजल इत्यादि ने तैयार किया था इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल आठ गाने रखे गए हैं और फिल्म को रिलीज़ करने से पहले इस फिल्म के रिलीजिंग में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे अब बात कर रहे हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो बता दें कि सलोनी बग्गा एक सेफ है जो अपने रेस्टोरेंट को रेस्टोरों को मेराकी स्टार जीतने का सपना दिखाती है वह अखिल चड्डा से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं हालांकि जल्द ही उनकी शादियों में समस्याएं आने लगती हैं जिससे वे जिससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है उनके रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और परिणाम स्वरूप वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपत्ति तलाक लेने का फैसला करते हैं सलोनी फिर गुरबीर सिंह पन्नू के एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मसूरी चली जाती है घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है और उसी रात अखिल उसके कमरे में आ जाता है उसे वापस चाहता है और वो दोनों एक साथ फिर रात बिताते हैं और इस मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती हो जाती है बच्चों के पिता का निर्धारण करने के लिए पितृत्व परीक्षण कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह जुड़ुआ बच्चों की मां बनने वाली है मामले को बदतर बनाने के लिए उसे के डॉक्टर ने उसे हेटेपोरेटनल सुपर फैंडक्शन नाम की एक बहुप्रक्रिया का दुर्लभ घटना से परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता हैं ऐसा डॉक्टर का मानना है जो अखिल और गुरबीर सिंह के सामने आ जाती है अब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है तो क्या अब कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है और क्या क्या होता है आगे ये सारी चीज़ें कॉमेडी से लैस हैं वो सारी चीज़ें ही आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बैड न्यूज तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार स्टार विक्की कौशल सर के फैन हैं और कॉमेडी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन संगीत बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की डिटेल भी आपको देंगे उसके अलावा इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और बताएंगे इसके रिव्यू के साथ साथ कि आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म बैड न्यूज आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक कॉमेडी फिल्म है एमेजॉन प्राइम और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ साथ लियो मीडिया कलेक्टिव द्वारा यह फिल्म निर्मित की गई और सच्ची घटनाओं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली गई है और इस फिल्म में बिक्की कौशल तृप्ति डिमरी और एमी वीरक हैं यह फिल्म यानी कि गुड न्यूज़ 2019 का आध्यात्मिक सीक्वल भी है और ये हैपोरोपैट्रन सुपरफेंड सुपरफेंडे के इर्द गिर्द घूमती है यह अमेजोन प्रक्रिया जिसमें यह एक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जुड़वा बच्चे एक ही माँ से पैदा होते हैं लेकिन उनके जैविक पिता अलग अलग होते हैं ये उसी के ऊपर यह फिल्म को बनाया गया है अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर तो बता दें कि फिल्म को निर्देशित किया है आनंद तिवारी ने और फिल्म की कहानी को लिखा है इसता मोइत्रा और तरुण डुडेरा ने फिल्म को उत्पादित किया गया है करण जौहर यश जौहर अपूर्वा मेहता अमृतपाल सिंह विंद्रा और आनंद तिवारी के द्वारा फिल्म के मुख्य कलाकार विक्की कौशल तृप्ति डिमरी और अम्मी विरख हैं और फिल्म को छायांकित किया है देवोजीत रे और इस फिल्म को संपादित किया है शान मोहम्मद ने फिल्म के जो गाने हैं वो रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ डीजे चेतस और लियो जॉर्ज प्रेम हरदीप करण औजाला और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस फिल्म के गाने दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले के हैं अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के उत्पादन के बारे में तो धर्मा प्रोडक्शंस और लियोफ मीडिया कलेक्टिव और एमेजॉन प्राइम वीडियोज ने इस फिल्म को उत्पादित किया गया है फिल्म को वितरित किया गया है एवे फिल्म ए ए फिल्म के द्वारा और फिल्म की रिलीज की तारीख की अगर बात करें तो उन्नीस जुलाई दो को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म का टोटल बजट तीन अस्सी करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक सौ करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में तो बताएं कि यह फिल्म को लोगों ने क्या रेटिंग दी इस फिल्म को कितना आ, इस फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों इस फिल्म को 5.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज करी गई है वहीं पर 55 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक like करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म थिएटर से बाहर निकल चुकी है और यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध करा दी गई है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इंफॉर्मेशंस की तो बताएं कि यह फिल्म अभी तक टेलीविजन पर लाइव टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है और न ही इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली तरीके से यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेंगे हम आप तक अपने वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे फिल्म को देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना था उसके ऊपर अगर नजर डालें तो बॉलीवुड बाल, हंगामा ने इस फिल्म को चार पा, आउट ऑफ पांच की रेटिंग दिया और कहा कि कुल मिला बैंड बैड न्यूज एक मजेदार मनोरंजक फिल्म है टाइम ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि एक मज़ेदार कथानक और दो मज़ेदार लोगों के साथ यह एक हंसी का दंगा है और पिंकविला के सीरियल जोमिला ने थ्री आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दिया और इस फिल्म के बारे में बताया कि बैड न्यूज़ एक शुद्ध मज़ेदार मनोरंजक फिल्म है जिसमें ऐसी सम, ऐसी संभावनाएं हैं जिसका अभी तक दोहन नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर विक्की कौशल ने अखिल चड्डा का रोल किया है वहीं पे तृप्ति डिमरी ने सलोनी बग्गा का रोल किया है गुरबीर सिंह पन्नू के रूप में आप एमी वीर को देख पाएंगे सलोनी की मौसी माँ कोरोना कोरोना के रूप में आप नेहा धूपिया को देख पाएंगे शिवा चड्डा अखिल की माँ विष्णु चड्डा के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं वहीं पर फैसल रशीद डॉक्टर बावेजा के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं क्यामी राम ने खुशी मामा का सुखी मामा का सुखी मामा का रोल किया है हरमन सतीजा के रूप में आप गुरमीत गुरनीत सिंह सोड़ी को देख पाएंगे और कमलेश कुमारी तेजी का रोल कर रही हैं वहीं पे नवीन कौशिक ने पनामा कैफे मैनेजर का रोल किया है अमरदीप बग्गा के रूप में आप हरनेक कौकल को देख पाएंगे विजय लक्ष्मी सिंह सुनीता बग्गा का रोल कर रही हैं साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर कुछ विशेष कैमियोज भी है इसके अंदर आप अनन्या पांडे को स्वयं के रूप में आप देख पाएंगे जो छोटा सा कैमियो कर रही हैं गजराज राव ने एक अपने ही रूप में एक विशेष कैमियो किया है और नेहा शर्मा ने भी इस फिल्म के अंदर सेजल गुरबी गुरबीर की पूर्व प्रेमिका के रूप में फिल्म में काम करती हुई नजर आई हैं जिनका एक छोटा सा कैमियो भी है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो उससे पहले हम इस फिल्म के गानों के बारे में अगर बात करें तो फिल्म का संगीत रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ लियो जॉर्ज डी जे चेतस प्रेम हरदीप करण कौज कौजल इत्यादि ने तैयार किया था इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल आठ गाने रखे गए हैं और फिल्म को रिलीज़ करने से पहले इस फिल्म के रिलीजिंग में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे अब बात कर रहे हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो बता दें कि सलोनी बग्गा एक सेफ है जो अपने रेस्टोरेंट को रेस्टोरों को मेराकी स्टार जीतने का सपना दिखाती है वह अखिल चड्डा से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं हालांकि जल्द ही उनकी शादियों में समस्याएं आने लगती हैं जिससे वे जिससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है उनके रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और परिणाम स्वरूप वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपत्ति तलाक लेने का फैसला करते हैं सलोनी फिर गुरबीर सिंह पन्नू के एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मसूरी चली जाती है घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है और उसी रात अखिल उसके कमरे में आ जाता है उसे वापस चाहता है और वो दोनों एक साथ फिर रात बिताते हैं और इस मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती हो जाती है बच्चों के पिता का निर्धारण करने के लिए पितृत्व परीक्षण कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह जुड़ुआ बच्चों की मां बनने वाली है मामले को बदतर बनाने के लिए उसे के डॉक्टर ने उसे हेटेपोरेटनल सुपर फैंडक्शन नाम की एक बहुप्रक्रिया का दुर्लभ घटना से परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता हैं ऐसा डॉक्टर का मानना है जो अखिल और गुरबीर सिंह के सामने आ जाती है अब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है तो क्या अब कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है और क्या क्या होता है आगे ये सारी चीज़ें कॉमेडी से लैस हैं वो सारी चीज़ें ही आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बैड न्यूज तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार स्टार विक्की कौशल सर के फैन हैं और कॉमेडी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन संगीत बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की डिटेल भी आपको देंगे उसके अलावा इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी, भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और बताएंगे इसके रिव्यू के साथ साथ कि आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म बैड न्यूज आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक कॉमेडी फिल्म है एमेजॉन प्राइम और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ साथ लियो मीडिया कलेक्टिव द्वारा यह फिल्म निर्मित की गई और सच्ची घटनाओं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली गई है और इस फिल्म में बिक्की कौशल तृप्ति डिमरी और एमी वीरक हैं यह फिल्म यानी कि गुड न्यूज़ 2019 का आध्यात्मिक सीक्वल भी है और ये हैपोरोपैट्रन सुपरफेंड सुपरफेंडेक्शन के इर्द गिर्द घूमती है यह अमेजोन प्रक्रिया जिसमें यह एक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जुड़वा बच्चे एक ही माह से पैदा होते हैं लेकिन उनके जैविक पिता अलग अलग होते हैं ये उसी के ऊपर यह फिल्म को बनाया गया है अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर तो बता दें कि फिल्म को निर्देशित किया है आनंद तिवारी ने और फिल्म की कहानी को लिखा है स्थिति मोइत्रा और ने फिल्म को उत्पादित किया गया है करण जौहर जौहर अपूर्वा मेहता अमृतपाल सिंह और आनंद तिवारी के द्वारा फिल्म के मुख्य कलाकार विक्की कौशल तृप्ति डिमरी और अम्मी हैं और फिल्म को छायांकित किया है देवोजीत रे और इस फिल्म को संपादित किया है शान मोहम्मद ने फिल्म के जो गाने हैं वो रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ डीजे चेतस और लियो जॉर्ज प्रेम हरदीप करण औजाला और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस फिल्म के गाने दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले के हैं अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के उत्पादन के बारे में तो धर्मा प्रोडक्शंस और लियोफ मीडिया कलेक्टिव और एमेजॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को उत्पादित किया गया है फिल्म को वितरित किया गया है एवे फिल्म ए ए फिल्म के द्वारा और फिल्म की रिलीज की तारीख की अगर बात करें तो उन्नीस जुलाई दो को इस फिल्म को रिलीज किया गया था फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म का टोटल बजट तीन अस्सी करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक सौ करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में तो बताएं कि यह फिल्म को लोगों ने क्या रेटिंग दी इस फिल्म को कितना इस फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों इस फिल्म को 5.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज करी गई है वहीं पर 55 फाइव परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म थिएटर से बाहर निकल चुकी है और यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध करा दी गई है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो बताएं कि यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर लाइव टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है और न ही इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली तरीके से यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेंगे हम आप तक अपने वीडियोज के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे फिल्म को देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना था उसके ऊपर अगर नजर डालें तो बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को चार पा, आउट ऑफ पांच की रेटिंग दिया और कहा कि कुल मिला बैंड बैड न्यूज एक मजेदार मनोरंजक फिल्म है टाइम ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि एक मज़ेदार कथानक और दो मज़ेदार लोगों के साथ यह एक हंसी का दंगा है और विला के सीरियल जोमिला ने थ्री आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दिया और इस फिल्म के बारे में बताया कि बैड न्यूज़ एक शुद्ध मज़ेदार मनोरंजक फिल्म है जिसमें ऐसी सम, ऐसी संभावनाएं हैं जिसका अभी तक दो, दोहन नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर विक्की कौशल ने अखिल चड्डा का रोल किया है वहीं पे तृप्ति डिमरी ने सलोनी बग्गा का रोल किया है गुरबीर सिंह पन्नू के रूप में आप एमी वीर को देख पाएंगे सलोनी की मौसी माँ कोरोना कोरोना के रूप में आप नेहा धूपिया को देख पाएंगे शिवा चड्डा अखिल की माँ विष्णु चड्डा के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं वहीं पे फैसल रशीद डॉक्टर बावेजा के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं क्यामी राम ने खुशी मामा का सुखी मामा का सुखी मामा का रोल किया है हरमन सतीजा के रूप में आप गुरमीत गुरनीत सिंह सोड़ी को देख पाएंगे और कमलेश कुमारी तेजी का रोल कर रही हैं वहीं पे नवीन कौशिक ने पनामा कैफे मैनेजर का रोल किया है अमरदीप बग्गा के रूप में आप हरनेक कौकल को देख पाएंगे विजय लक्ष्मी सिंह सुनीता बग्गा का रोल कर रही हैं साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर कुछ विशेष कैम्यूज भी है इसके अंदर आप अनन्या पांडे को स्वयं के रूप में आप देख पाएंगे जो छोटा सा कैमियो कर रही हैं गजराज राव ने एक अपने ही रूप में एक विशेष कैमियो किया है और नेहा शर्मा ने भी इस फिल्म के अंदर सेजल गुरबी गुरबीर की पूर्व प्रेमिका के रूप में फिल्म में काम करती हुई नजर आई हैं जिनका एक छोटा सा कैमियो भी है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो उससे पहले हम इस फिल्म के गानों के बारे में अगर बात करें तो फिल्म का संगीत रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ लियो जॉर्ज डी चेतस प्रेम हरदीप करण कौज कौजल इत्यादि ने तैयार किया था इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल आठ गाने रखे गए हैं और फिल्म को रिलीज़ करने से पहले इस फिल्म के रिलीजिंग में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो बता दें कि सलोनी बग्गा एक सेफ है जो अपने रेस्टोरेंट को रेस्टोरों को मेराकी स्टार जीतने का सपना दिखाती है वह अखिल चड्डा से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से गुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं हालांकि जल्द ही उनकी शादियों में समस्याएं आने लगती हैं जिससे वे जिससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है उनके रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और परिणामस्वरूप वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं इन समस्याओं के परिणामस्वरूप दंपत्ति तलाक लेने का फैसला करते हैं सलोनी फिर गुरबीर सिंह पन्नू के एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मसूरी चली जाती है घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है और उसी रात अखिल उसके कमरे में आ जाता है उसे वापस चाहता है और वो दोनों एक साथ फिर रात बिताते हैं और इस मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती हो जाती है बच्चों के पिता का निर्धारण करने के लिए पितृत्व परीक्षण कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह जुड़ुआ बच्चों की माँ बनने वाली है मामले को बदतर बनाने के लिए उसे के डॉक्टर ने उसे हेटेपोरेटनल सुपरफैंडशन नाम की एक प्रक्रिया का दुर्लभ घटना से परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता हैं ऐसा डॉक्टर का मानना है जो अखिल और गुरबीर सिंह के सामने आ जाती है अब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है तो क्या अब कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है और क्या क्या होता है आगे ये सारी चीज़ें कॉमेडी से लैस हैं वो सारी चीज़ें ही आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बैड न्यूज़ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार विक्की कौशल सर के फैन हैं और कॉमेडी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन संगीत बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की डिटेल भी आपको देंगे उसके अलावा इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी, भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और बताएंगे इसके रिव्यू के साथ साथ कि आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म बैड न्यूज आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक कॉमेडी फिल्म है अमेजोन प्राइम और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ साथ लियो मीडिया कलेक्टिव द्वारा यह फिल्म निर्मित की गई और सच्ची घटनाओं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली गई है और इस फिल्म में बिक्की कौशल तृप्ति डिमरी और एमी वीरक हैं यह फिल्म यानी कि गुड न्यूज़ 2019 का आध्यात्मिक सीक्वल भी है और ये है सुपर फ्रेंड सुपरफेंडेक्शन के इर्द गिर्द घूमती है यह अमेजॉन प्रक्रिया जिसमें यह एक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जुड़वा बच्चे एक ही माह से पैदा होते हैं लेकिन उनके जैविक पिता अलग अलग होते हैं ये उसी के ऊपर यह फिल्म को बनाया गया है अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर तो बता दें कि फिल्म को निर्देशित किया है आनंद तिवारी ने और फिल्म की कहानी को लिखा है इसता मोइत्रा और तरुण डुडेरा ने फिल्म को उत्पादित किया गया है करण जौहर हीरो जौहर अपूर्वा मेहता अमृतपाल सिंह विंद्रा और आनंद तिवारी के द्वारा फिल्म के मुख्य कलाकार विक्की कौशल तृप्ति डिमरी और अम्मी विर्क हैं और फिल्म को छायांकित किया है देवोजीत रे और इस फिल्म को संपादित किया है शान मोहम्मद ने फिल्म के जो गाने हैं वो रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ डीजे चेतस और लियो जॉर्ज प्रेम हरदीप करण औजाला और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस फिल्म के गाने दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले के हैं अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के उत्पादन के बारे में तो धर्मा प्रोडक्शंस और लियोफ मीडिया कलेक्टिव और एमेजॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को उत्पादित किया गया है फिल्म को वितरित किया गया है एवे फिल्म ए ए फिल्म के द्वारा और फिल्म की रिलीज की तारीख की अगर बात करें तो उन्नीस जुलाई दो हज़ार चौबीस को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक सौ चालीस मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म का टोटल बजट तीन अस्सी करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक सौ पंद्रह दशमलव सात चार करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में तो बताएं कि यह फिल्म को लोगों ने क्या रेटिंग दी इस फिल्म को कितना इस फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों इस फिल्म को 5.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज करी गई है वहीं पर 55 फाइव परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म थिएटर से बाहर निकल चुकी है और यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध करा दी गई है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो बताएं कि यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर लाइव टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है और न ही इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली तरीके से यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुँचेंगे हम आप तक अपने वीडियोज के माध्यम से जरूर पहुँचाएंगे फिल्म को देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना था उसके ऊपर अगर नजर डालें तो बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को पाँच चार पा, आउट ऑफ पाँच की रेटिंग दिया और कहा कि कुल मिला बैंड बैड न्यूज एक मजेदार मनोरंजक फिल्म है टाइम ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि एक मज़ेदार कथानक और दो मज़ेदार लोगों के साथ यह एक हंसी का दंगा है और पिंकविला के सीरियल जोमिला ने थ्री आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दिया और इस फिल्म के बारे में बताया कि बैड न्यूज़ एक शुद्ध मज़ेदार मनोरंजक फिल्म है जिसमें ऐसी सम, ऐसी संभावनाएं हैं जिसका अभी तक दो, दोहन नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर विक्की कौशल ने अखिल चड्डा का रोल किया है वहीं पे तृप्ति डिमरी ने सलोनी बग्गा का रोल किया है गुरबीर सिंह पन्नू के रूप में आप एमी वीर को देख पाएंगे सलोनी की मौसी माँ कोरोना कोरोना के रूप में आप नेहा धूपिया को देख पाएंगे शिवा चड्डा अखिल की माँ विष्णु चड्डा के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं वहीं पे फैसल रशीद डॉक्टर बावेजा के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं क्या मीर ने खुशी मामा का सुखी मामा का सुखी मामा का रोल किया है हरमन सतीजा के रूप में आप गुरमीत गुरनीत सिंह सोढ़ी को देख पाएंगे और कमलेश कुमारी तेजी का रोल कर रही हैं वहीं पे नवीन कौशिक ने पनामा कैफे मैनेजर का रोल किया है अमरदीप बग्गा के रूप में आप हरनेक कौकल को देख पाएंगे विजय लक्ष्मी सिंह सुनीता बग्गा का रोल कर रही हैं साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर कुछ विशेष कैम्यूज़ भी है इसके अंदर आप अनन्या पांडे को स्वयं के रूप में आप देख पाएंगे जो छोटा सा कैमियो कर रही हैं गजराज राव ने एक अपने ही रूप में एक विशेष कैमियो किया है और नेहा शर्मा ने भी इस फिल्म के अंदर सेजल गुरबी गुरबीर की पूर्व प्रेमिका के रूप में फिल्म में काम करती हुई नजर आई हैं जिनका एक छोटा सा कैमियो भी है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो उससे पहले हम इस फिल्म के गानों के बारे में अगर बात करें तो फिल्म का संगीत रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ लियो जॉर्ज डी चेतस प्रेम हरदीप करण कौजल इत्यादि ने तैयार किया था इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल आठ गाने रखे गए हैं और फिल्म को रिलीज़ करने से पहले इस फिल्म के रिलीजिंग में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो बता दें कि सलोनी बग्गा एक सेफ है जो अपने रेस्टोरेंट को रेस्टोरों को मेराकी स्टार जीतने का सपना दिखाती है वह अखिल चड्डा से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से गुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं हालांकि जल्द ही उनकी शादियों में समस्याएं आने लगती हैं जिससे वे जिससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है उनके रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और परिणाम स्वरूप वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपत्ति तलाक लेने का फैसला करते हैं सलोनी फिर गुरबीर सिंह पन्नू के एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मसूरी चली जाती है घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है और उसी रात अखिल उसके कमरे में आ जाता है उसे वापस चाहता है और वो दोनों एक साथ फिर रात बिताते हैं और इस मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती हो जाती है बच्चों के पिता का निर्धारण करने के लिए पितृत्व परीक्षण कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है मामले को बदतर बनाने के लिए उसे के डॉक्टर ने उसे हेटेपोरेटनल सुपर फैंडक्शन नाम की एक बहुप्रक्रिया का दुर्लभ घटना से परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता हैं ऐसा डॉक्टर का मानना है जो अखिल और गुरबीर सिंह के सामने आ जाती है अब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है तो क्या अब कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है और क्या क्या होता है आगे ये सारी चीजें कॉमेडी से लेस हैं वो सारी चीजें ही आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बैड न्यूज तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार विक्की कौशल सर के फैन हैं और कॉमेडी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन संगीत बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की डिटेल भी आपको देंगे उसके अलावा इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और बताएंगे इसके रिव्यू के साथ साथ कि आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म बैड न्यूज आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक कॉमेडी फिल्म है अमेजोन प्राइम और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ साथ लियो मीडिया कलेक्टिव द्वारा यह फिल्म निर्मित की गई और सच्ची घटनाओं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली गई है और इस फिल्म में बिक्की कौशल तृप्ति डिमरी और एमी वीरख हैं यह फिल्म यानी कि गुड न्यूज़ 2019 का आध्यात्मिक सीक्वल भी है और ये सुपर सुपरफेंड सुपरफेंडेक्शन के इर्द गिर्द घूमती है यह एमेजॉन प्रक्रिया जिसमें यह एक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जुड़वा बच्चे एक ही माह से पैदा होते हैं लेकिन उनके जैविक पिता अलग अलग होते हैं यह उसी के ऊपर यह फिल्म को बनाया गया है अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर तो बता दें कि फिल्म को निर्देशित किया है आनंद तिवारी ने और फिल्म की कहानी को लिखा है इसता मोइत्रा और तरुण ने फिल्म को उत्पादित किया गया है करण जौहर जौहर हीरो यश अपूर्वा मेहता अमृतपाल सिंह और आनंद तिवारी के द्वारा फिल्म के मुख्य कलाकार विक्की कौशल तृप्ति डिमरी और अम्मी हैं और फिल्म को छायांकित किया है देवोजीत रे और इस फिल्म को संपादित किया है शान मोहम्मद ने फिल्म के जो गाने हैं वो रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ डीजे चेतस और लियो जॉर्ज प्रेम हरदीप करण औजाला और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस फिल्म के गाने दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले के हैं अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के उत्पादन के बारे में तो धर्मा प्रोडक्शंस और लियो मीडिया कलेक्टिव और एमेजॉन प्राइम वीडियोज ने इस फिल्म को उत्पादित किया गया है फिल्म को वितरित किया गया है एवे फिल्म ए ए फिल्म के द्वारा और फिल्म की रिलीज की तारीख की अगर बात करें तो 19 जुलाई 2024 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था फिल्म की कार्यक्रम अवधि 140 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट तीन करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में तो बताएं कि यह फिल्म को लोगों ने क्या रेटिंग दी इस फिल्म को कितना आ, इस फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों इस फिल्म को 5.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज करी गई है वहीं पर 55 फाइव परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक like करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म थिएटर्स से बाहर निकल चुकी है और यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध करा दी गई है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो बताएं कि यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर लाइव टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है और न ही इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली तरीके से यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुँचेंगे हम आप तक अपने वीडियोज के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे फिल्म को देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना था उसके ऊपर अगर नजर डालें तो बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को पाँच चार पा, आउट ऑफ पाँच की रेटिंग दिया और कहा कि कुल मिला बैंड बैड न्यूज एक मजेदार मनोरंजक फिल्म है टाइम ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि एक मज़ेदार कथानक और दो मज़ेदार लोगों के साथ यह एक हंसी का दंगा है और पिंकविला के सीरियल जोमिला ने थ्री आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दिया और इस फिल्म के बारे में बताया कि बैड न्यूज़ एक शुद्ध मज़ेदार मनोरंजक फिल्म है जिसमें ऐसी सम, ऐसी संभावनाएं हैं जिसका अभी तक दोहन नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर विक्की कौशल ने अखिल चड्डा का रोल किया है वहीं पे तृप्ति डिमरी ने सलोनी बग्गा का रोल किया है गुरबीर सिंह पन्नू के रूप में आप एमी वीर को देख पाएंगे सलोनी की मौसी माँ कोरोना कोरोना के रूप में आप नेहा धूपिया को देख पाएंगे शिवा चड्डा अखिल की माँ विष्णु चड्डा के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं वहीं पे फैसल रशीद डॉक्टर बावेजा के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं क्यामी राम ने खुशी मामा का सुखी मामा का सुखी मामा का रोल किया है हरमन सतीजा के रूप में आप गुरमीत गुरनीत सिंह सोढ़ी को देख पाएंगे और कमलेश कुमारी तेजी का रोल कर रही हैं वहीं पे नवीन कौशिक ने पनामा कैफे मैनेजर का रोल किया है अमरदीप बग्गा के रूप में आप हरनेक कौकल को देख पाएंगे विजय लक्ष्मी सिंह सुनीता बग्गा का रोल कर रही हैं साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर कुछ विशेष कैम्यूज़ भी है इसके अंदर आप अनन्या पांडे को स्वयं के रूप में आप देख पाएंगे जो छोटा सा कैमियो कर रही हैं गजराज राव ने एक अपने ही रूप में एक विशेष कैमियो किया है और नेहा शर्मा ने भी इस फिल्म के अंदर सेजल गुरबी गुरबीर की पूर्व प्रेमिका के रूप में फिल्म में काम करती हुई नजर आई हैं जिनका एक छोटा सा कैमियो भी है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो उससे पहले हम इस फिल्म के गानों के बारे में अगर बात करें तो फिल्म का संगीत रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ लियो जॉर्ज डी चेतस प्रेम हरदीप करण कौज जौजल इत्यादि ने तैयार किया था इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल आठ गाने रखे गए हैं और फिल्म को रिलीज़ करने से पहले इस फिल्म के रिलीजिंग में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो बता दें कि सलोनी बग्गा एक सेफ है जो अपने रेस्टोरेंट को रेस्टोरों को मेराकी स्टार जीतने का सपना दिखाती है वह अखिल चड्डा से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से गुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं हालांकि जल्द ही उनकी शादियों में समस्याएं आने लगती हैं जिससे वे जिससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है उनके रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और परिणामस्वरूप वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपत्ति तलाक लेने का फैसला करते हैं सलोनी फिर गुरबीर सिंह पन्नू के एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मसूरी चली जाती है घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है और उसी रात अखिल उसके कमरे में आ जाता है उसे वापस चाहता है और वो दोनों एक साथ फिर रात बिताते हैं और इस मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती हो जाती है बच्चों के पिता का निर्धारण करने के लिए पितृत्व परीक्षण कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है मामले को बदतर बनाने के लिए उसे के डॉक्टर ने उसे हेटेपोरेटनल सुपर फेंडेक्शन नाम की एक बहुप्रक्रिया का दुर्लभ घटना से परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता हैं ऐसा डॉक्टर का मानना है जो अखिल और गुरबीर सिंह के सामने आ जाती है अब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है तो क्या अब कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है और क्या क्या होता है आगे ये सारी चीजें कॉमेडी से लैस हैं वो सारी चीज़ें ही आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बैड न्यूज तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार स्टार विक्की कौशल सर के फैन हैं और कॉमेडी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन संगीत बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की डिटेल भी आपको देंगे उसके अलावा इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी, भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और बताएंगे इसके रिव्यू के साथ साथ कि आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म बैड न्यूज आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक कॉमेडी फिल्म है एमेजॉन प्राइम और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ साथ लियो मीडिया कलेक्टिव द्वारा यह फिल्म निर्मित की गई और सच्ची घटनाओं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली गई है और इस फिल्म में बिक्की कौशल तृप्ति डिमरी और एमी विरख हैं यह फिल्म यानी कि गुड न्यूज़ 2019 का आध्यात्मिक सीक्वल भी है और ये हैपोरोपैटर्न सुपरफेंड सुपरफेंडे के इर्द गिर्द घूमती है यह एमेजॉन प्रक्रिया जिसमें यह एक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जुड़वा बच्चे एक ही माँ से पैदा होते हैं लेकिन उनके जैविक पिता अलग अलग होते हैं यह उसी के ऊपर यह फिल्म को बनाया गया है अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर तो बता दें कि फिल्म को निर्देशित किया है आनंद तिवारी ने और फिल्म की कहानी को लिखा है इसता मोइत्रा और तरुण डुडेरिया ने फिल्म को उत्पादित किया गया है करण जौहर हीरो जौहर अपूर्वा मेहता अमृतपाल सिंह विंद्रा और आनंद तिवारी के द्वारा फिल्म के मुख्य कलाकार विक्की कौशल तृप्ति डिमरी और अम्मी विर्क हैं और फिल्म को छायांकित किया है देवोजीत रे और इस फिल्म को संपादित किया है शान मोहम्मद ने फिल्म के जो गाने हैं वो रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ डीजे चेतस और लियो जॉर्ज प्रेम हरदीप करण औजाला और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस फिल्म के गाने दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले के हैं अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के उत्पादन के बारे में तो धर्मा प्रोडक्शंस और लियोफ मीडिया कलेक्टिव और एमेजॉन प्राइम वीडियोज ने इस फिल्म को उत्पादित किया गया है फिल्म को वितरित किया गया है एवे फिल्म ए ए फिल्म के द्वारा और फिल्म की रिलीज की तारीख की अगर बात करें तो 19 जुलाई 2024 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था फिल्म की कार्यक्रम अवधि 140 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट तीन करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में तो बताएं कि यह फिल्म को लोगों ने क्या रेटिंग दी इस फिल्म को कितना इस फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों इस फिल्म को 5.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज करी गई है वहीं पर 55 फाइव परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म थिएटर से बाहर निकल चुकी है और यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध करा दी गई है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो बताएं कि यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर लाइव टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है और न ही इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली तरीके से यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेंगे हम आप तक अपने वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे फिल्म को देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना था उसके ऊपर अगर नजर डालें तो बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को चार पा, आउट ऑफ पांच की रेटिंग दिया और कहा कि कुल मिला बैंड बैड न्यूज एक मजेदार मनोरंजक फिल्म है टाइम ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि एक मज़ेदार कथानक और दो मज़ेदार लोगों के साथ यह एक हंसी का दंगा है और पिंकविला के सीरियल जोमिला ने थ्री आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दिया और इस फिल्म के बारे में बताया कि बैड न्यूज़ एक शुद्ध मज़ेदार मनोरंजक फिल्म है जिसमें ऐसी सम, ऐसी संभावनाएं हैं जिसका अभी तक दोहन नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर विक्की कौशल ने अखिल चड्डा का रोल किया है वहीं पे तृप्ति डिमरी ने सलोनी बग्गा का रोल किया है गुरबीर सिंह पन्नू के रूप में आप एमी वीर को देख पाएंगे सलोनी की मौसी माँ कोरोना कोरोना के रूप में आप नेहा धूपिया को देख पाएंगे शिवा चड्डा अखिल की माँ विष्णु चड्डा के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं वहीं पर फैसल रशीद डॉक्टर बावेजा के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं क्यामी राम ने खुशी मामा का सुखी मामा का सुखी मामा का रोल किया है हरमन सतीजा के रूप में आप गुरमीत गुरनीत सिंह सोड़ी को देख पाएंगे और कमलेश कुमारी तेजी का रोल कर रही हैं वहीं पे नवीन कौशिक ने पनामा कैफे मैनेजर का रोल किया है अमरदीप बग्गा के रूप में आप हरनेक कोकल को देख पाएंगे विजय लक्ष्मी सिंह सुनीता बग्गा का रोल कर रही हैं साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर कुछ विशेष कैम्यूज़ भी है इसके अंदर आप अनन्या पांडे को स्वयं के रूप में आप देख पाएंगे जो छोटा सा कैमियो कर रही हैं गजराज राव ने एक अपने ही रूप में एक विशेष कैमियो किया है और नेहा शर्मा ने भी इस फिल्म के अंदर सेजल गुरबी गुरबीर की पूर्व प्रेमिका के रूप में फिल्म में काम करती हुई नजर आई हैं जिनका एक छोटा सा कैमियो भी है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो उससे पहले हम इस फिल्म के गानों के बारे में अगर बात करें तो फिल्म का संगीत रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ लियो जॉर्ज डी जे चेतस प्रेम हरदीप करण कौ जौजल इत्यादि ने तैयार किया था इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल आठ गाने रखे गए हैं और फिल्म को रिलीज करने से पहले इस फिल्म के रिलीजिंग में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे अब बात कर रहे हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो बता दें कि सलोनी बग्गा एक सेफ है जो अपने रेस्टोरेंट को रेस्टोरों को मेराकी स्टार जीतने का सपना दिखाती है वह अखिल चड्डा से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से गुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं हालांकि जल्द ही उनकी शादियों में समस्याएं आने लगती हैं जिससे वे जिससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है उनके रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और परिणाम स्वरूप वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपत्ति तलाक लेने का फैसला करते हैं सलोनी फिर गुरबीर सिंह पन्नू के एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मसूरी चली जाती है घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है और उसी रात अखिल उसके कमरे में आ जाता है उसे वापस चाहता है और वो दोनों एक साथ फिर रात बिताते हैं और इस मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती हो जाती है बच्चों के पिता का निर्धारण करने के लिए पितृत्व परीक्षण कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह जुड़ुआ बच्चों की माँ बनने वाली है मामले को बदतर बनाने के लिए उसे के डॉक्टर ने उसे हेटेपोरेटनल सुपर फैंडक्शन नाम की एक बहु प्रक्रिया का दुर्लभ घटना से परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता हैं ऐसा डॉक्टर का मानना है जो अखिल और गुरबीर सिंह के सामने आ जाती है अब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है तो क्या अब कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है और क्या क्या होता है आगे ये सारी चीज़ें कॉमेडी से लैस हैं वो सारी चीज़ें ही आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बैड न्यूज़ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलेगा ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार स्टार विक्की कौशल सर के फैन हैं और कॉमेडी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहां पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन संगीत बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की डिटेल भी आपको देंगे उसके अलावा इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी, भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और बताएंगे इसके रिव्यू के साथ साथ कि आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म बैड न्यूज आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक कॉमेडी फिल्म है एमेजॉन प्राइम और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ साथ लियो मीडिया कलेक्टिव द्वारा यह फिल्म निर्मित की गई और सच्ची घटनाओं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली गई है और इस फिल्म में बिक्की कौशल तृप्ति डिमरी और एमी वीरक हैं यह फिल्म यानी कि गुड न्यूज़ 2019 का आध्यात्मिक सीक्वल भी है और ये हैपोरोपैटर्न सुपरफेंड सुपरफ्रेंडे के इर्द गिर्द घूमती है यह अमेजोन प्रक्रिया जिसमें यह एक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जुड़वा बच्चे एक ही माँ से पैदा होते हैं लेकिन उनके जैविक पिता अलग अलग होते हैं यह उसी के ऊपर यह फिल्म को बनाया गया है अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर तो बता दें कि फिल्म को निर्देशित किया है आनंद तिवारी ने और फिल्म की कहानी को लिखा है इसता मोइत्रा और तरुण डुडेरा ने फिल्म को उत्पादित किया गया है करण जौहर हीरो जौहर अपूर्वा मेहता अमृतपाल सिंह बिंद्रा और आनंद तिवारी के द्वारा फिल्म के मुख्य कलाकार विक्की कौशल तृप्ति डिमरी और अम्मी विरख हैं और फिल्म को छायांकित किया है देवोजीत रे और इस फिल्म को संपादित किया है शान मोहम्मद ने फिल्म के जो गाने हैं वो रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ डीजे चेतस और लियो जॉर्ज प्रेम हरदीप करण औजाला और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस फिल्म के गाने दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले के हैं अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के उत्पादन के बारे में तो धर्मा प्रोडक्शंस और लियोफ मीडिया कलेक्टिव और एमेजॉन प्राइम वीडियोज ने इस फिल्म को उत्पादित किया गया है फिल्म को वितरित किया गया है ए वे फिल्म ए ए फिल्म के द्वारा और फिल्म की रिलीज की तारीख की अगर बात करें तो 19 जुलाई 2024 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था फिल्म की कार्यक्रम अवधि 140 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट तीन करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में तो बताएं कि यह फिल्म को लोगों ने क्या रेटिंग दी इस फिल्म को कितना इस फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों इस फिल्म को 5.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज करी गई है वहीं पर 55 फाइव परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म थिएटर से बाहर निकल चुकी है और यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध करा दी गई है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो बताएं कि यह फिल्म अभी तक टेलीविजन पर लाइव टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है और न ही इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली तरीके से यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेंगे हम आप तक अपने वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे फिल्म को देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना था उसके ऊपर अगर नजर डालें तो बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को चार पा, आउट ऑफ पांच की रेटिंग दिया और कहा कि कुल मिला बैंड बैड न्यूज एक मजेदार मनोरंजक फिल्म है टाइम ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि एक मज़ेदार कथानक और दो मज़ेदार लोगों के साथ यह एक हंसी का दंगा है और पिंकविला के सीरियल जोमिला ने थ्री आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दिया और इस फिल्म के बारे में बताया कि बैड न्यूज़ एक शुद्ध मज़ेदार मनोरंजक फिल्म है जिसमें ऐसी सम, ऐसी संभावनाएं हैं जिसका अभी तक दोहन नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर विक्की कौशल ने अखिल चड्डा का रोल किया है वहीं पे तृप्ति डिमरी ने सलोनी बग्गा का रोल किया है गुरबीर सिंह पन्नू के रूप में आप एमी वीर को देख पाएंगे सलोनी की मौसी मां कोरोना कोरोना के रूप में आप नेहा धूपिया को देख पाएंगे शिवा चड्डा अखिल की माँ विष्णु चड्डा के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं वहीं पर फैसल रशीद डॉक्टर बावेजा के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं क्यामी राम ने खुशी मामा का सुखी मामा का सुखी मामा का रोल किया है हरमन सतीजा के रूप में आप गुरमीत गुरनीत सिंह सोढ़ी को देख पाएंगे कमलेश कुमारी तेजी का रोल कर रही हैं वहीं पे नवीन कौशिक ने पनामा कैफे मैनेजर का रोल किया है अमरदीप बग्गा के रूप में आप हरनेक कौकल को देख पाएंगे विजय लक्ष्मी सिंह सुनीता बग्गा का रोल कर रही हैं साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर कुछ विशेष कैमियोज भी है इसके अंदर आप अनन्या पांडे को स्वयं के रूप में आप देख पाएंगे जो छोटा सा कैम्यू कर रही हैं गजराज राव ने एक अपने ही रूप में एक विशेष कैमियो किया है और नेहा शर्मा ने भी इस फिल्म के अंदर सेजल गुरबी गुरबीर की पूर्व प्रेमिका के रूप में फिल्म में काम करती हुई नजर आई हैं जिनका एक छोटा सा कैमियो भी है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो उससे पहले हम इस फिल्म के गानों के बारे में अगर बात करें तो फिल्म का संगीत रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ लियो जॉर्ज डी जे चेतस प्रेम हरदीप करण कौजल इत्यादि ने तैयार किया था इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल आठ गाने रखे गए हैं और फिल्म को रिलीज़ करने से पहले इस फिल्म के रिलीजिंग में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे अब बात कर रहे हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो बता दें कि सलोनी बग्गा एक सेफ है जो अपने रेस्टोरेंट को रेस्टोरों को मेराकी स्टार जीतने का सपना दिखाती है वह अखिल चड्डा से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से गुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं हालांकि जल्द ही उनकी शादियों में समस्याएं आने लगती हैं जिससे वे जिससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है उनके रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और परिणामस्वरूप वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं इन समस्याओं के परिणामस्वरूप दंपत्ति तलाक लेने का फैसला करते हैं सलोनी फिर गुरबीर सिंह पन्नू के एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मसूरी चली जाती है घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है और उसी रात अखिल उसके कमरे में आ जाता है उसे वापस चाहता है और वो दोनों एक साथ फिर रात बिताते हैं और इस मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती हो जाती है बच्चों के पिता का निर्धारण करने के लिए पितृत्व परीक्षण कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह जुड़ुआ बच्चों की माँ बनने वाली है मामले को बदतर बनाने के लिए उसे के डॉक्टर ने उसे हेटेपोरेटनल सुपर फैंडक्शन नाम की एक बहुप्रक्रिया का दुर्लभ घटना से परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता हैं ऐसा डॉक्टर का मानना है जो अखिल और गुरबीर सिंह के सामने आ जाती है अब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है तो क्या अब कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है और क्या क्या होता है आगे ये सारी चीज़ें कॉमेडी से लैस हैं वो सारी चीज़ें ही आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बैड न्यूज़ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार स्टार विक्की कौशल सर के फैन हैं और कॉमेडी फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहां पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन संगीत बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की डिटेल भी आपको देंगे उसके अलावा इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी, भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और बताएंगे इसके रिव्यू के साथ साथ कि आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म बैड न्यूज आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक कॉमेडी फिल्म है एमेजॉन प्राइम और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ साथ लियो मीडिया कलेक्टिव द्वारा यह फिल्म निर्मित की गई और सच्ची घटनाओं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली गई है और इस फिल्म में बिक्की कौशल तृप्ति डिमरी और एमी वीरक हैं यह फिल्म यानी कि गुड न्यूज़ 2019 का आध्यात्मिक सीक्वल भी है और ये हैपोरोपैट्रन सुपरफेंड सुपर के घूमती है अमेजन प्रक्रिया जिसमें यह एक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जुड़वा बच्चे एक ही माह से पैदा होते हैं लेकिन उनके जैविक पिता अलग अलग होते हैं यह उसी के ऊपर यह फिल्म को बनाया गया है अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर तो बता दें कि फिल्म को निर्देशित किया है आनंद तिवारी ने और फिल्म की कहानी को लिखा है स्थिति मोइत्रा और तरुण डुडेरा ने फिल्म को उत्पादित किया गया है करण जौहर हीरो जौहर अपूर्वा मेहता अमृतपाल सिंह विंद्रा और आनंद तिवारी के द्वारा फिल्म के मुख्य कलाकार विक्की कौशल तृप्ति डिमरी और अम्मी विरख हैं और फिल्म को छायांकित किया है देवोजीत रे और इस फिल्म को संपादित किया है शान मोहम्मद ने फिल्म के जो गाने हैं वो रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ डीजे चेतस और लियो जॉर्ज प्रेम हरदीप करण औजाला और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस फिल्म के गाने दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले के हैं अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के उत्पादन के बारे में तो धर्मा प्रोडक्शंस और लियोफ मीडिया कलेक्टिव और एमेजॉन प्राइम को उत्पादित किया गया है फिल्म को वितरित किया गया है एवे फिल्म, ए वे ए एस के द्वारा और फिल्म की रिलीज की तारीख की अगर बात करें तो उन्नीस जुलाई दो को इस फिल्म को रिलीज किया गया था फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट तीन अस्सी करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक सौ करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में तो बताएं कि यह फिल्म को लोगों ने क्या रेटिंग दी इस फिल्म को कितना आ, इस फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों इस फिल्म को 5.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज करी गई है वहीं पर 55 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म थिएटर से बाहर निकल चुकी है और यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध करा दी गई है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इंफॉर्मेशंस की तो बताएं कि यह फिल्म अभी तक टेलीविजन पर लाइव टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है और न ही इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली तरीके से यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेंगे हम आप तक अपने वीडियोज के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे फिल्म को देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना था उसके ऊपर अगर नजर डालें तो बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को पाँच चार पा, आउट ऑफ पांच की रेटिंग दिया और कहा कि कुल मिला बैंड बैड न्यूज एक मजेदार मनोरंजक फिल्म है टाइम ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि एक मज़ेदार कथानक और दो मज़ेदार लोगों के साथ यह एक हंसी का दंगा है और पिंकविला के सीरियल जोमिला ने थ्री आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दिया और इस फिल्म के बारे में बताया कि बैड न्यूज़ एक शुद्ध मज़ेदार मनोरंजक फिल्म है जिसमें ऐसी सम, ऐसी संभावनाएं हैं जिसका अभी तक दोहन नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर विक्की कौशल ने अखिल चड्डा का रोल किया है वहीं पे तृप्ति डिमरी ने सलोनी बग्गा का रोल किया है गुरबीर सिंह पन्नू के रूप में आप एमी वीर को देख पाएंगे सलोनी की मौसी माँ कोरोना कोरोना के रूप में आप नेहा धूपिया को देख पाएंगे शिवा चड्डा अखिल की माँ विष्णु चड्डा के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं वहीं पर फैसल रशीद डॉक्टर बावेजा के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं क्यामी राम ने खुशी मामा का सुखी मामा का सुखी मामा का रोल किया है हरमन सतीजा के रूप में आप गुरमीत गुरनीत सिंह सोडी को देख पाएंगे कमलेश कुमारी तेजी का रोल कर रही हैं वहीं पे नवीन कौशिक ने पनामा कैफे मैनेजर का रोल किया है अमरदीप बग्गा के रूप में आप हरनेक कौकल को देख पाएंगे विजय लक्ष्मी सिंह सुनीता बग्गा का रोल कर रही हैं साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर कुछ विशेष कैमियोज भी है इसके अंदर आप अनन्या पांडे को स्वयं के रूप में आप देख पाएंगे जो छोटा सा कैमियो कर रही हैं गजराज राव ने एक अपने ही रूप में एक विशेष कैमियो किया है और नेहा शर्मा ने भी इस फिल्म के अंदर सेजल गुरबी गुरबीर की पूर्व प्रेमिका के रूप में फिल्म में काम करती हुई नजर आई हैं जिनका एक छोटा सा कैमियो भी है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो उससे पहले हम इस फिल्म के गानों के बारे में अगर बात करें तो फिल्म का संगीत रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ लियो जॉज डी चेतस प्रेम हरदीप करण कौजल इत्यादि ने तैयार किया था इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल आठ गाने रखे गए हैं और फिल्म को रिलीज़ करने से पहले इस फिल्म के रिलीजिंग में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे अब बात कर रहे हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो बता दें कि सलोनी बग्गा एक सेफ है जो अपने रेस्टोरेंट को रेस्टोरों को मेराकी स्टार जीतने का सपना दिखाती है वह अखिल चड्डा से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से गुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं हालांकि जल्द ही उनकी शादियों में समस्याएं आने लगती हैं जिससे वे जिससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है उनके रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और परिणामस्वरूप वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपत्ति तलाक लेने का फैसला करते हैं सलोनी फिर गुरबीर सिंह पन्नू के एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मसूरी चली जाती है घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है और उसी रात अखिल उसके कमरे में आ जाता है उसे वापस चाहता है और वो दोनों एक साथ फिर रात बिताते हैं और इस मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती हो जाती है बच्चों के पिता का निर्धारण करने के लिए पितृत्व परीक्षण कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह जुड़ुआ बच्चों की मां बनने वाली है मामले को बदतर बनाने के लिए उसे के डॉक्टर ने उसे हेटेपोरेटनल सुपरफेंडेक्शन नाम की एक प्रक्रिया का दुर्लभ घटना से परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता हैं ऐसा डॉक्टर का मानना है जो अखिल और गुरबीर सिंह के सामने आ जाती है अब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है तो क्या अब कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है और क्या क्या होता है आगे ये सारी चीज़ें कॉमेडी से लैस हैं वो सारी चीज़ें ही आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बैड न्यूज़ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार विक्की कौशल सर के फैन हैं और कॉमेडी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन संगीत बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की डिटेल भी आपको देंगे उसके अलावा इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी, भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे करेंगे एनालिसिस और बताएंगे इसके रिव्यू के साथ साथ कि आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म बैड न्यूज आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक कॉमेडी फिल्म है एमेजॉन प्राइम और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ साथ लियो मीडिया कलेक्टिव द्वारा यह फिल्म निर्मित की गई और सच्ची घटनाओं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली गई है और इस फिल्म में बिक्की कौशल तृप्ति डिमरी और एमी वीरक हैं यह फिल्म यानी कि गुड न्यूज़ 2019 का आध्यात्मिक सीक्वल भी है और ये हैपोरोपैट्रन सुपरफेंड सुपरफेंडे के इर्द गिर्द घूमती है यह अमेजोन प्रक्रिया जिसमें यह एक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जुड़वा बच्चे एक ही माँ से पैदा होते हैं लेकिन उनके जैविक पिता अलग अलग होते हैं ये उसी के ऊपर यह फिल्म को बनाया गया है अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर तो बता दें कि फिल्म को निर्देशित किया है आनंद तिवारी ने और फिल्म की कहानी को लिखा है स्थिति मोइत्रा और तरुण डुडेरिया ने फिल्म को उत्पादित किया गया है करण जौहर यश जौहर अपूर्वा मेहता अमृतपाल सिंह विंद्रा और आनंद तिवारी के द्वारा फिल्म के मुख्य कलाकार विक्की कौशल तृप्ति डिमरी और अम्मी विरख हैं और फिल्म को छायांकित किया है देवोजीत रे और इस फिल्म को संपादित किया है शान मोहम्मद ने फिल्म के जो गाने हैं वो रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ डीजे चेतस और लियो जॉर्ज प्रेम हरदीप करण औजाला और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस फिल्म के गाने दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले के हैं अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के उत्पादन के बारे में तो धर्मा प्रोडक्शंस और लियोफ मीडिया कलेक्टिव और एमेजॉन प्राइम वीडियोज ने इस फिल्म को उत्पादित किया गया है फिल्म को वितरित किया गया है एवे फिल्म ए ए फिल्म के द्वारा और फिल्म की रिलीज की तारीख की अगर बात करें तो उन्नीस जुलाई दो को इस फिल्म को रिलीज किया गया था फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट तीन अस्सी करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक सौ करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में तो बताएं कि यह फिल्म को लोगों ने क्या रेटिंग दी इस फिल्म को कितना इस फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों इस फिल्म को 5.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज करी गई है वहीं पर 55% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म थिएटर से बाहर निकल चुकी है और यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध करा दी गई है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो बताएं कि यह फिल्म अभी तक टेलीविजन पर लाइव टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है और न ही इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली तरीके से यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेंगे हम आप तक अपने वीडियोज के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे फिल्म को देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना था उसके ऊपर अगर नजर डालें तो बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को पाँच चार पा, आउट ऑफ पांच की रेटिंग दिया और कहा कि कुल मिला बैंड बैड न्यूज एक मजेदार मनोरंजक फिल्म है टाइम ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि एक मज़ेदार कथानक और दो मज़ेदार लोगों के साथ यह एक हंसी का दंगा है और पिंकविला के सीरियल जोमिला ने थ्री आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दिया और इस फिल्म के बारे में बताया कि बैड न्यूज़ एक शुद्ध मज़ेदार मनोरंजक फिल्म है जिसमें ऐसी सम, ऐसी संभावनाएँ हैं जिसका अभी तक दो, दोहन नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर विक्की कौशल ने अखिल चड्डा का रोल किया है वहीं पर तृप्ति डिमरी ने सलोनी बग्गा का रोल किया है गुरबीर सिंह पन्नू के रूप में आप एमी वीर को देख पाएंगे सलोनी की मौसी माँ कोरोना कोरोना के रूप में आप नेहा धूपिया को देख पाएंगे शिवा चड्डा अखिल की माँ विष्णु चड्डा के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं वहीं पे फैसल रशीद डॉक्टर बावेजा के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं क्यामी राम ने खुशी मामा का सुखी मामा का सुखी मामा का रोल किया है हरमन सतीजा के रूप में आप गुरमीत गुरनीत सिंह सोढ़ी को देख पाएंगे और कमलेश कुमारी तेजी का रोल कर रही हैं वहीं पे नवीन कौशिक ने पनामा कैफ़े मैनेजर का रोल किया है अमरदीप बग्गा के रूप में आप हरनेक कोकल को देख पाएंगे विजय लक्ष्मी सिंह सुनीता बग्गा का रोल कर रही हैं साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर कुछ विशेष कैमियोज भी है इसके अंदर आप अनन्या पांडे को स्वयं के रूप में आप देख पाएंगे जो छोटा सा कैमियो कर रही हैं गजराज राव ने एक अपने ही रूप में एक विशेष कैमियो किया है और नेहा शर्मा ने भी इस फिल्म के अंदर सेजल गुरबी गुरबीर की पूर्व प्रेमिका के रूप में फिल्म में काम करती हुई नजर आई हैं जिनका एक छोटा सा कैमियो भी है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो उससे पहले हम इस फिल्म के गानों के बारे में अगर बात करें तो फिल्म का संगीत रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ लियो जॉर्ज डी चेतस प्रेम हरदीप करण कौजल इत्यादि ने तैयार किया था इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल आठ गाने रखे गए हैं और फिल्म को रिलीज़ करने से पहले इस फिल्म के रिलीजिंग में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे अब बात कर रहे हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो बता दें कि सलोनी बग्गा एक सेफ है जो अपने रेस्टोरेंट को रेस्टोरों को मेराकी स्टार जीतने का सपना दिखाती है वह अखिल चड्डा से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं हालांकि जल्द ही उनकी शादियों में समस्याएं आने लगती हैं जिससे वे जिससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है उनके रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और परिणाम स्वरूप वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपत्ति तलाक लेने का फैसला करते हैं सलोनी फिर गुरबीर सिंह पन्नू के एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मसूरी चली जाती है घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है और उसी रात अखिल उसके कमरे में आ जाता है उसे वापस चाहता है और वो दोनों एक साथ फिर रात बिताते हैं और इस मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती हो जाती है बच्चों के पिता का निर्धारण करने के लिए पितृत्व परीक्षण कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह जुड़ुआ बच्चों की मां बनने वाली है मामले को बदतर बनाने के लिए उसे के डॉक्टर ने उसे हेटेपोरेटनल सुपर फैंडक्शन नाम की एक बहु प्रक्रिया का दुर्लभ घटना से परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता हैं ऐसा डॉक्टर का मानना है जो अखिल और गुरबीर सिंह के सामने आ जाती है अब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है तो क्या अब कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है और क्या क्या होता है आगे ये सारी चीजें कॉमेडी से लैस हैं वो सारी चीजें ही आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बैड न्यूज़ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार स्टार विक्की कौशल सर के फैन हैं और कॉमेडी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फ़िल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन संगीत बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की डिटेल भी आपको देंगे उसके अलावा इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और बताएंगे इसके रिव्यू के साथ साथ कि आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म बैड न्यूज आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक कॉमेडी फिल्म है एमेजॉन प्राइम और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ साथ लियो मीडिया कलेक्टिव द्वारा यह फिल्म निर्मित की गई और सच्ची घटनाओं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली गई है और इस फिल्म में बिक्की कौशल तृप्ति डिमरी और एमी वीरक हैं यह फिल्म यानी कि गुड न्यूज़ 2019 का आध्यात्मिक सीक्वल भी है और ये हैपोरोपैट्रन सुपरफेंड सुपरफेंडे के इर्द गिर्द घूमती है यह अमेजोन प्रक्रिया जिसमें यह एक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जुड़वा बच्चे एक ही माँ से पैदा होते हैं लेकिन उनके जैविक पिता अलग अलग होते हैं ये उसी के ऊपर यह फिल्म को बनाया गया है अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर तो बता दें कि फिल्म को निर्देशित किया है आनंद तिवारी ने और फिल्म की कहानी को लिखा है इसता मोइत्रा और तरुण डुडेरा ने फिल्म को उत्पादित किया गया है करण जौहर यश जौहर अपूर्वा मेहता अमृतपाल सिंह विंद्रा और आनंद तिवारी के द्वारा फिल्म के मुख्य कलाकार विक्की कौशल तृप्ति डिमरी और अम्मी विरख हैं और फिल्म को छायांकित किया है देवोजीत रे और इस फिल्म को संपादित किया है शान मोहम्मद ने फिल्म के जो गाने हैं वो रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ डीजे चेतस और लियो जॉर्ज प्रेम हरदीप करण औजाला और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस फिल्म के गाने दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले के हैं अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के उत्पादन के बारे में तो धर्मा प्रोडक्शंस और लियोफ मीडिया कलेक्टिव और एमेजॉन प्राइम वीडियोज ने इस फिल्म को उत्पादित किया गया है फिल्म को वितरित किया गया है एवे फिल्म ए ए फिल्म के द्वारा और फिल्म की रिलीज की तारीख की अगर बात करें तो उन्नीस जुलाई दो को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म का टोटल बजट तीन अस्सी करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक सौ करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में तो बताएं कि यह फिल्म को लोगों ने क्या रेटिंग दी इस फिल्म को कितना आ, इस फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों इस फिल्म को 5.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज करी गई है वहीं पर 55 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म थिएटर से बाहर निकल चुकी है और यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध करा दी गई है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर आप इस फिल्म को सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इंफॉर्मेशंस की तो बताएं कि यह फिल्म अभी तक टेलीविजन पर लाइव टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है और न ही इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली तरीके से यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेंगे हम आप तक अपने वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे फिल्म को देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना था उसके ऊपर अगर नजर डालें तो बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को चार पा, आउट ऑफ पांच की रेटिंग दिया और कहा कि कुल मिला बैंड बैड न्यूज एक मजेदार मनोरंजक फिल्म है टाइम ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि एक मज़ेदार कथानक और दो मज़ेदार लोगों के साथ यह एक हंसी का दंगा है और पिंकविला के सीरियल जोमिला ने थ्री आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दिया और इस फिल्म के बारे में बताया कि बैड न्यूज़ एक शुद्ध मज़ेदार मनोरंजक फिल्म है जिसमें ऐसी सम, ऐसी संभावनाएं हैं जिसका अभी तक दो, दोहन नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर विक्की कौशल ने अखिल चड्डा का रोल किया है वहीं पे तृप्ति डिमरी ने सलोनी बग्गा का रोल किया है गुरबीर सिंह पन्नू के रूप में आप एमी वीर को देख पाएंगे सलोनी की मौसी माँ कोरोना कोरोना के रूप में आप नेहा धूपिया को देख पाएंगे शिवा चड्डा अखिल की माँ विष्णु चड्डा के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं वहीं पे फैसल रशीद डॉक्टर बावेजा के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं क्यामी राम ने खुशी मामा का सुखी मामा का सुखी मामा का रोल किया है हरमन सतीजा के रूप में आप गुरमीत गुरनीत सिंह सोड़ी को देख पाएंगे और कमलेश कुमारी तेजी का रोल कर रही हैं वहीं पे नवीन कौशिक ने पनामा कैफे मैनेजर का रोल किया है अमरदीप बग्गा के रूप में आप हरनेक कौकल को देख पाएंगे विजय लक्ष्मी सिंह सुनीता बग्गा का रोल कर रही हैं साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर कुछ विशेष कैम्यूज़ भी है इसके अंदर आप अनन्या पांडे को स्वयं के रूप में आप देख पाएंगे जो छोटा सा कैमियो कर रही हैं गजराज राव ने एक अपने ही रूप में एक विशेष कैमियो किया है और नेहा शर्मा ने भी इस फिल्म के अंदर सेजल गुरबी गुरबीर की पूर्व प्रेमिका के रूप में फिल्म में काम करती हुई नजर आई हैं जिनका एक छोटा सा कैमियो भी है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो उससे पहले हम इस फिल्म के गानों के बारे में अगर बात करें तो फिल्म का संगीत रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ लियो जॉर्ज डीजे चेतस प्रेम हरदीप करण कौ औजल इत्यादि ने तैयार किया था इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल आठ गाने रखे गए हैं और फिल्म को रिलीज़ करने से पहले इस फिल्म के रिलीजिंग में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे अब बात कर रहे हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो बता दें कि सलोनी बग्गा एक सेफ है जो अपने रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट को मेराकी स्टार जीतने का सपना दिखाती है वह अखिल चड्डा से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से गुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं हालांकि जल्द ही उनकी शादियों में समस्याएं आने लगती हैं जिससे वे जिससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है उनके रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और परिणाम स्वरूप वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपत्ति तलाक लेने का फैसला करते हैं सलोनी फिर गुरबीर सिंह पन्नू के एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मसूरी चली जाती है घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है और उसी रात अखिल उसके कमरे में आ जाता है उसे वापस चाहता है और वो दोनों एक साथ फिर रात बिताते हैं और इस मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती हो जाती है बच्चों के पिता का निर्धारण करने के लिए पितृत्व परीक्षण कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह जुड़ुआ बच्चों की मां बनने वाली है मामले को बदतर बनाने के लिए उसे के डॉक्टर ने उसे हेटेपोरेटनल सुपर फैंडक्शन नाम की एक बहुप्रक्रिया का दुर्लभ घटना से परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता हैं ऐसा डॉक्टर का मानना है जो अखिल और गुरबीर सिंह के सामने आ जाती है अब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है तो क्या अब कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है और क्या क्या होता है आगे ये सारी चीज़ें कॉमेडी से लैस हैं वो सारी चीज़ें ही आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बैड न्यूज तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार स्टार विक्की कौशल सर के फैन हैं और कॉमेडी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन संगीत बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की डिटेल भी आपको देंगे उसके अलावा इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और बताएंगे इसके रिव्यू के साथ साथ कि आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म बैड न्यूज आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक कॉमेडी फिल्म है एमेजॉन प्राइम और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ साथ लियो मीडिया कलेक्टिव द्वारा यह फिल्म निर्मित की गई और सच्ची घटनाओं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली गई है और इस फिल्म में बिक्की कौशल तृप्ति डिमरी और एमी वीरख हैं यह फिल्म यानी कि गुड न्यूज़ 2019 का आध्यात्मिक सीक्वल भी है और ये सुपर सुपरफेंड के इर्द गिर्द घूमती है यह यह प्रक्रिया जिसमें यह एक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जुड़वा बच्चे एक ही माह से पैदा होते हैं लेकिन उनके जैविक पिता अलग अलग होते हैं ये उसी के ऊपर यह फिल्म को बनाया गया है अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर तो बता दें कि फिल्म को निर्देशित किया है आनंद तिवारी ने और फिल्म की कहानी को लिखा है इसता मोइत्रा और तरुण डुडेरा ने फिल्म को उत्पादित किया गया है करण जौहर यश जौहर अपूर्वा मेहता अमृतपाल सिंह विंद्रा और आनंद तिवारी के द्वारा फिल्म के मुख्य कलाकार विक्की कौशल तृप्ति डिमरी और अम्मी विरखे हैं और फिल्म को छायांकित किया है देवोजीत रे और इस फिल्म को संपादित किया है शान मोहम्मद ने फिल्म के जो गाने हैं वो रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ डीजे चेतस और लियो जॉर्ज प्रेम हरदीप करण औजाला और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस फिल्म के गाने दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले के हैं अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के उत्पादन के बारे में तो धर्मा प्रोडक्शंस और लियोफ मीडिया कलेक्टिव और एमेजॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को उत्पादित किया गया है फिल्म को वितरित किया गया है एवे फिल्म ए ए फिल्म के द्वारा और फिल्म की रिलीज की तारीख की अगर बात करें तो उन्नीस जुलाई दो को इस फिल्म को रिलीज किया गया था फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म का टोटल बजट तीन अस्सी करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक सौ करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में तो बताएं कि यह फिल्म को लोगों ने क्या रेटिंग दी इस फिल्म को कितना आ, इस फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों इस फिल्म को 5.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज करी गई है वहीं पर 55 फाइव परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म थिएटर से बाहर निकल चुकी है और यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध करा दी गई है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो बताएं कि यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर लाइव टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है और न ही इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली तरीके से यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेंगे हम आप तक अपने वीडियोज के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे फिल्म को देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना था उसके ऊपर अगर नजर डालें तो बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को चार पा, आउट ऑफ पांच की रेटिंग दिया और कहा कि कुल मिला बैंड बैड न्यूज एक मजेदार मनोरंजक फिल्म है टाइम ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि एक मज़ेदार कथानक और दो मज़ेदार लोगों के साथ यह एक हंसी का दंगा है और पिंकविला के सीरियल जोमिला ने थ्री आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दिया और इस फिल्म के बारे में बताया कि बैड न्यूज़ एक शुद्ध मज़ेदार मनोरंजक फिल्म है जिसमें ऐसी सम, ऐसी संभावनाएं हैं जिसका अभी तक दोहन नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर विक्की कौशल ने अखिल चड्डा का रोल किया है वहीं पे तृप्ति डिमरी ने सलोनी बग्गा का रोल किया है गुरबीर सिंह पन्नू के रूप में आप एमी वीर को देख पाएंगे सलोनी की मौसी माँ कोरोना कोरोना के रूप में आप नेहा धूपिया को देख पाएंगे शिवा चड्डा अखिल की माँ विष्णु चड्डा के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं वहीं पे फैसल रशीद डॉक्टर बावेजा के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं क्यामी राम ने खुशी मामा का सुखी मामा का सुखी मामा का रोल किया है हरमन सतीजा के रूप में आप गुरमीत गुरनीत सिंह सोड़ी को देख पाएंगे और कमलेश कुमारी तेजी का रोल कर रही हैं वहीं पे नवीन कौशिक ने पनामा कैफे मैनेजर का रोल किया है अमरदीप बग्गा के रूप में आप हरनेक कोकल को देख पाएंगे विजय लक्ष्मी सिंह सुनीता बग्गा का रोल कर रही हैं साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर कुछ विशेष कैमियोज भी है इसके अंदर आप अनन्या पांडे को स्वयं के रूप में आप देख पाएंगे जो छोटा सा कैम्यू कर रही हैं गजराज राव ने एक अपने ही रूप में एक विशेष कैमियो किया है और नेहा शर्मा ने भी इस फिल्म के अंदर सेजल गुरबी गुरबीर की पूर्व प्रेमिका के रूप में फिल्म में काम करती हुई नजर आई हैं जिनका एक छोटा सा कैमियो भी है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो उससे पहले हम इस फिल्म के गानों के बारे में अगर बात करें तो फिल्म का संगीत रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ लियो जॉर्ज डी चेतस प्रेम हरदीप करण कौज औजल इत्यादि ने तैयार किया था इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल आठ गाने रखे गए हैं और फिल्म को रिलीज करने से पहले इस फिल्म के रिलीजिंग में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो बता दें कि सलोनी बग्गा एक सेफ है जो अपने रेस्टोरेंट को रेस्टोरों को मेराकी स्टार जीतने का सपना दिखाती है वह अखिल चड्डा से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से गुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं हालांकि जल्द ही उनकी शादियों में समस्याएं आने लगती हैं जिससे वे जिससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है उनके रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और परिणाम स्वरूप वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपत्ति तलाक लेने का फैसला करते हैं सलोनी फिर गुरबीर सिंह पन्नू के एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मसूरी चली जाती है घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है और उसी रात अखिल उसके कमरे में आ जाता है उसे वापस चाहता है और वो दोनों एक साथ फिर रात बिताते हैं और इस मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती हो जाती है बच्चों के पिता का निर्धारण करने के लिए पितृत्व परीक्षण कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह जुड़ुआ बच्चों की मां बनने वाली है मामले को बदतर बनाने के लिए उसे के डॉक्टर ने उसे हेटेपोरेटनल सुपर फैंडक्शन नाम की एक बहुप्रक्रिया का दुर्लभ घटना से परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता हैं ऐसा डॉक्टर का मानना है जो अकेला और गुरबीर सिंह के सामने आ जाती है अब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है तो क्या अब कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है और क्या क्या होता है आगे ये सारी चीज़ें कॉमेडी से लैस हैं वो सारी चीज़ें ही आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बैड न्यूज तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार विक्की कौशल सर के फैन हैं और कॉमेडी फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन संगीत बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की डिटेल भी आपको देंगे उसके अलावा इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी, भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और बताएंगे इसके रिव्यू के साथ साथ कि आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म बैड न्यूज आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक कॉमेडी फिल्म है अमेजोन प्राइम और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ साथ लियो मीडिया कलेक्टिव द्वारा यह फिल्म निर्मित की गई और सच्ची घटनाओं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली गई है और इस फिल्म में बिक्की कौशल तृप्ति डिमरी और एमी वीरक हैं यह फिल्म यानी कि गुड न्यूज़ 2019 का आध्यात्मिक सीक्वल भी है और ये हैपोरोपैट्रन सुपरफेंड सुपरफेंडेक्शन के इर्द गिर्द घूमती है यह एमेजॉन प्रक्रिया जिसमें यह एक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जुड़वा बच्चे एक ही माह से पैदा होते हैं लेकिन उनके जैविक पिता अलग अलग होते हैं ये उसी के ऊपर यह फिल्म को बनाया गया है अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर तो बता दें कि फिल्म को निर्देशित किया है आनंद तिवारी ने और फिल्म की कहानी को लिखा है इसता मोइत्रा और तरुण डुडेरा ने फिल्म को उत्पादित किया गया है करण जौहर हीरो जौहर अपूर्वा मेहता अमृतपाल सिंह विंद्रा और आनंद तिवारी के द्वारा फिल्म के मुख्य कलाकार विक्की कौशल तृप्ति डिमरी और अम्मी विर्क हैं और फिल्म को छायांकित किया है देवोजीत रे और इस फिल्म को संपादित किया है शान मोहम्मद ने फिल्म के जो गाने हैं वो रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ डीजे चेतस और लियो जॉर्ज प्रेम हरदीप करण औजाला और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस फिल्म के गाने दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले के हैं अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के उत्पादन के बारे में तो धर्मा प्रोडक्शंस और लियोफ मीडिया कलेक्टिव और एमेजॉन प्राइम वीडियोज ने इस फिल्म को उत्पादित किया गया है फिल्म को वितरित किया गया है एवे फिल्म ए ए फिल्म के द्वारा और फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अगर बात करें तो उन्नीस जुलाई दो को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म का टोटल बजट तीन अस्सी करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक सौ पंद्रह दशमलव सात चार करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में तो बताएं कि यह फिल्म को लोगों ने क्या रेटिंग दी इस फिल्म को कितना आ, इस फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों इस फिल्म को 5.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज करी गई है वहीं पर 55 फाइव परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक like करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म थिएटर से बाहर निकल चुकी है और यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध करा दी गई है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो बताएं कि यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर लाइव टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है और न ही इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली तरीके से यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेंगे हम आप तक अपने वीडियोज के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे फिल्म को देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना था उसके ऊपर अगर नजर डालें तो बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को पाँच चार पा, आउट ऑफ पांच की रेटिंग दिया और कहा कि कुल मिला बैंड बैड न्यूज एक मजेदार मनोरंजक फिल्म है टाइम ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि एक मज़ेदार कथानक और दो मज़ेदार लोगों के साथ यह एक हंसी का दंगा है और पिंकविला के सीरियल जोमिला ने थ्री आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दिया और इस फिल्म के बारे में बताया कि बैड न्यूज़ एक शुद्ध मज़ेदार मनोरंजक फिल्म है जिसमें ऐसी सम, ऐसी संभावनाएं हैं जिसका अभी तक दो, दोहन नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर विक्की कौशल ने अखिल चड्डा का रोल किया है वहीं पे तृप्ति डिमरी ने सलोनी बग्गा का रोल किया है गुरबीर सिंह पन्नू के रूप में आप एमी वीर को देख पाएंगे सलोनी की मौसी माँ कोरोना कोरोना के रूप में आप नेहा धूपिया को देख पाएंगे शिवा चड्डा अखिल की माँ विष्णु चड्डा के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं वहीं पे फैसल रशीद डॉक्टर बावेजा के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं क्या मीर ने खुशी मामा का सुखी मामा का सुखी मामा का रोल किया है हरमन सतीजा के रूप में आप गुरमीत गुरनीत सिंह सोढ़ी को देख पाएंगे और कमलेश कुमारी तेजी का रोल कर रही हैं वहीं पे नवीन कौशिक ने पनामा कैफे मैनेजर का रोल किया है अमरदीप बग्गा के रूप में आप हरनेक कौकल को देख पाएंगे विजय लक्ष्मी सिंह सुनीता बग्गा का रोल कर रही हैं साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर कुछ विशेष कैमियोज भी है इसके अंदर आप अनन्या पांडे को स्वयं के रूप में आप देख पाएंगे जो छोटा सा कैमियो कर रही हैं गजराज राव ने एक अपने ही रूप में एक विशेष कैमियो किया है और नेहा शर्मा ने भी इस फिल्म के अंदर सेजल गुरबी गुरबीर की पूर्व प्रेमिका के रूप में फिल्म में काम करती हुई नजर आई हैं जिनका एक छोटा सा कैमियो भी है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो उससे पहले हम इस फिल्म के गानों के बारे में अगर बात करें तो फिल्म का संगीत रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ लियो जॉ डीजे चेतस प्रेम हरदीप करण कौज कौजल इत्यादि ने तैयार किया था इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल आठ गाने रखे गए हैं और फिल्म को रिलीज़ करने से पहले इस फिल्म के रिलीजिंग में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो बता दें कि सलोनी बग्गा एक सेफ है जो अपने रेस्टोरेंट को रेस्टोरों को मेराकी स्टार जीतने का सपना दिखाती है वह अखिल चड्डा से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से गुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं हालांकि जल्द ही उनकी शादियों में समस्याएं आने लगती हैं जिससे वे जिससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है उनके रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और परिणाम स्वरूप वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपत्ति तलाक लेने का फैसला करते हैं सलोनी फिर गुरबीर सिंह पन्नू के एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मसूरी चली जाती है घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है और उसी रात अखिल उसके कमरे में आ जाता है उसे वापस चाहता है और वो दोनों एक साथ फिर रात बिताते हैं और इस मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती हो जाती है बच्चों के पिता का निर्धारण करने के लिए पितृत्व परीक्षण कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है मामले को बदतर बनाने के लिए उसे के डॉक्टर ने उसे हेटेपोरेटनल सुपर फेंडेक्शन नाम की एक बहुप्रक्रिया का दुर्लभ घटना से परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता हैं ऐसा डॉक्टर का मानना है जो अखिल और गुरबीर सिंह के सामने आ जाती है अब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है तो क्या अब कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है और क्या क्या होता है आगे ये सारी चीज़ें कॉमेडी से लैस हैं वो सारी चीज़ें ही आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखेगा फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बैड न्यूज तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार विक्की कौशल सर के फैन हैं और कॉमेडी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन संगीत बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की डिटेल भी आपको देंगे उसके अलावा इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और बताएंगे इसके रिव्यू के साथ साथ कि आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म बैड न्यूज आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक कॉमेडी फिल्म है अमेजोन प्राइम और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ साथ लियो मीडिया कलेक्टिव द्वारा यह फिल्म निर्मित की गई और सच्ची घटनाओं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली गई है और इस फिल्म में बिक्की कौशल तृप्ति डिमरी और एमी वीरख हैं यह फिल्म यानी कि गुड न्यूज़ 2019 का आध्यात्मिक सीक्वल भी है और ये हैपोरोपैटर्न सुपरफेंड के गिर्द घूमती है यह एमेजोन प्रक्रिया जिसमें यह एक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जुड़वा बच्चे एक ही माँ से पैदा होते हैं लेकिन उनके जैविक पिता अलग अलग होते हैं ये उसी के ऊपर यह फिल्म को बनाया गया है अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर तो बता दें कि फिल्म को निर्देशित किया है आनंद तिवारी ने और फिल्म की कहानी को लिखा है ईशिता मोइत्रा और तरुण डुडेरिया ने फिल्म को उत्पादित किया गया है करण जौहर यश जौहर अपूर्वा मेहता अमृतपाल सिंह विंद्रा और आनंद तिवारी के द्वारा फिल्म के मुख्य कलाकार विक्की कौशल तृप्ति डिमरी और अम्मी विर्क हैं और फिल्म को छायांकित किया है देवोजीत रे और इस फिल्म को संपादित किया है शान मोहम्मद ने फिल्म के जो गाने हैं वो रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ डीजे चेतस और लियो जॉर्ज प्रेम हरदीप करण औजाला और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस फिल्म के गाने दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले के हैं अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के उत्पादन के बारे में तो धर्मा प्रोडक्शंस और लियोफ मीडिया कलेक्टिव और एमेजॉन प्राइम वीडियोज ने इस फिल्म को उत्पादित किया गया है फिल्म को वितरित किया गया है एवे फिल्म ए ए फिल्म के द्वारा और फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अगर बात करें तो 19 जुलाई 2024 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म की कार्यक्रम अवधि 140 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म का टोटल बजट तीन करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में तो बताएं कि यह फिल्म को लोगों ने क्या रेटिंग दी इस फिल्म को कितना आ, इस फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों इस फिल्म को 5.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज करी गई है वहीं पर 55 फाइव परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक like करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म थिएटर से बाहर निकल चुकी है और यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध करा दी गई है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो बताएं कि यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर लाइव टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है और न ही इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली तरीके से यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेंगे हम आप तक अपने वीडियोज के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे फिल्म को देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना था उसके ऊपर अगर नजर डालें तो बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को पाँच चार पा, आउट ऑफ पांच की रेटिंग दिया और कहा कि कुल मिला कर बैंड बैड न्यूज एक मजेदार मनोरंजक फिल्म है टाइम ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि एक मज़ेदार कथानक और दो मज़ेदार लोगों के साथ यह एक हंसी का दंगा है और पिंकविला के सीरियल जोमिला ने थ्री आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दिया और इस फिल्म के बारे में बताया कि बैड न्यूज़ एक शुद्ध मजेदार मनोरंजक फिल्म है जिसमें ऐसी सम, ऐसी संभावनाएं हैं जिसका अभी तक दोहन नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर विक्की कौशल ने अखिल चड्डा का रोल किया है वहीं पे तृप्ति डिमरी ने सलोनी बग्गा का रोल किया है गुरबीर सिंह पन्नू के रूप में आप एमी वीर को देख पाएंगे सलोनी की मौसी माँ कोरोना कोरोना के रूप में आप नेहा धूपिया को देख पाएंगे शिवा चड्डा अखिल की माँ विष्णु चड्डा के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं वहीं पे फैसल रशीद डॉक्टर बावेजा के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं क्यामी राम ने खुशी मामा का सुखी मामा का सुखी मामा का रोल किया है हरमन सतीजा के रूप में आप गुरमीत गुरनीत सिंह सोड़ी को देख पाएंगे और कमलेश कुमारी तेजी का रोल कर रही हैं वहीं पे नवीन कौशिक ने पनामा कैफे मैनेजर का रोल किया है अमरदीप बग्गा के रूप में आप हरनेक कौकल को देख पाएंगे विजय लक्ष्मी सिंह सुनीता बग्गा का रोल कर रही हैं साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर कुछ विशेष कैमियोज भी है इसके अंदर आप अनन्या पांडे को स्वयं के रूप में आप देख पाएंगे जो छोटा सा कैमियो कर रही हैं गजराज राव ने एक अपने ही रूप में एक विशेष कैमियो किया है और नेहा शर्मा ने भी इस फिल्म के अंदर सेजल गुरबी गुरबीर की पूर्व प्रेमिका के रूप में फिल्म में काम करती हुई नजर आई हैं जिनका एक छोटा सा कैमियो भी है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो उससे पहले हम इस फिल्म के गानों के बारे में अगर बात करें तो फिल्म का संगीत रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ लियो जॉ डीजे चेतस प्रेम हरदीप करण कौज औजल इत्यादि ने तैयार किया था इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल आठ गाने रखे गए हैं और फिल्म को रिलीज़ करने से पहले इस फिल्म के रिलीजिंग में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो बता दें कि सलोनी बग्गा एक सेफ है जो अपने रेस्टोरेंट को रेस्टोरों को मेराकी स्टार जीतने का सपना दिखाती है वह अखिल चड्डा से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से गुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं हालांकि जल्द ही उनकी शादियों में समस्याएं आने लगती हैं जिससे वे जिससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है उनके रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और परिणामस्वरूप वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपत्ति तलाक लेने का फैसला करते हैं सलोनी फिर गुरबीर सिंह पन्नू के एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मसूरी चली जाती है घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है और उसी रात अखिल उसके कमरे में आ जाता है उसे वापस चाहता है और वो दोनों एक साथ फिर रात बिताते हैं और इस मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती हो जाती है बच्चों के पिता का निर्धारण करने के लिए पितृत्व परीक्षण कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है मामले को बदतर बनाने के लिए उसे के डॉक्टर ने उसे हेटेपोरेटनल सुपर फेंडेक्शन नाम की एक बहुप्रक्रिया का दुर्लभ घटना से परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता हैं ऐसा डॉक्टर का मानना है जो अखिल और गुरबीर सिंह के सामने आ जाती है अब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है तो क्या अब कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है और क्या क्या होता है आगे ये सारी चीज़ें कॉमेडी से लैस हैं वो सारी चीज़ें ही आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बैड न्यूज़ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार स्टार विक्की कौशल सर के फैन हैं और कॉमेडी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन संगीत बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की डिटेल भी आपको देंगे उसके अलावा इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी, भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म बैड न्यूज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और बताएंगे इसके रिव्यू के साथ साथ कि आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म बैड न्यूज आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक कॉमेडी फिल्म है एमेजॉन प्राइम और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ साथ लियो मीडिया कलेक्टिव द्वारा यह फिल्म निर्मित की गई और सच्ची घटनाओं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली गई है और इस फिल्म में बिक्की कौशल तृप्ति डिमरी और एमी विरख हैं यह फिल्म यानी कि गुड न्यूज़ 2019 का आध्यात्मिक सीक्वल भी है और ये हैपोरोपैटर्न सुपरफेंड के गिर्द घूमती है यह एमेजोन प्रक्रिया जिसमें यह एक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जुड़वा बच्चे एक ही माँ से पैदा होते हैं लेकिन उनके जैविक पिता अलग अलग होते हैं यह उसी के ऊपर यह फिल्म को बनाया गया है अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर तो बता दें कि फिल्म को निर्देशित किया है आनंद तिवारी ने और फिल्म की कहानी को लिखा है इसता मोइत्रा और तरुण डुडेरिया ने फिल्म को उत्पादित किया गया है करण जौहर हीरो जौहर अपूर्वा मेहता अमृतपाल सिंह विंद्रा और आनंद तिवारी के द्वारा फिल्म के मुख्य कलाकार विक्की कौशल तृप्ति डिमरी और अम्मी विर्क हैं और फिल्म को छायांकित किया है देवोजीत रे और इस फिल्म को संपादित किया है शान मोहम्मद ने फिल्म के जो गाने हैं वो रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ डीजे चेतस और लियो जॉर्ज प्रेम हरदीप करण औजाला और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस फिल्म के गाने दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले के हैं अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के उत्पादन के बारे में तो धर्मा प्रोडक्शंस और लियोफ मीडिया कलेक्टिव और एमेजॉन प्राइम वीडियोज ने इस फिल्म को उत्पादित किया गया है फिल्म को वितरित किया गया है एवे फिल्म ए ए फिल्म के द्वारा और फिल्म की रिलीज की तारीख की अगर बात करें तो 19 जुलाई 2024 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था फिल्म की कार्यक्रम अवधि 140 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट तीन करोड़ रुपये का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में तो बताएं कि यह फिल्म को लोगों ने क्या रेटिंग दी इस फिल्म को कितना आ, इस फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों इस फिल्म को 5.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज करी गई है वहीं पर 55 फाइव परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म थिएटर से बाहर निकल चुकी है और यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध करा दी गई है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो बताएं कि यह फिल्म अभी तक टेलीविजन पर लाइव टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है और न ही इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली तरीके से यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुँचेंगे हम आप तक अपने वीडियोज़ के माध्यम से जरूर पहुँचाएंगे फिल्म को देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना था उसके ऊपर अगर नजर डालें तो बाल बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को पाँच चार पा, आउट ऑफ पाँच की रेटिंग दिया और कहा कि कुल मिला बैंड बैड न्यूज़ एक मज़ेदार मनोरंजक फिल्म है टाइम ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि एक मज़ेदार कथानक और दो मज़ेदार लोगों के साथ यह एक हंसी का दंगा है और पिंक विला के सीरियल जो मिला ने थ्री आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दिया और इस फिल्म के बारे में बताया कि बैड न्यूज एक शुद्ध मज़ेदार मनोरंजक फिल्म है जिसमें ऐसी देसी ऐसी संभावनाएं हैं जिसका अभी तक दो, दोहन नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर विक्की कौशल ने अखिल चड्डा का रोल किया है वहीं पर तृप्ति डिमरी ने सलोनी बग्गा का रोल किया है गुरबीर सिंह पन्नू के रूप में आप एमी वीर को देख पाएंगे सलोनी की मौसी माँ कोरोना कोरोना के रूप में आप नेहा धूपिया को देख पाएंगे शिवा चड्डा अखिल की माँ विष्णु चड्डा के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं वहीं पे फैसल रशीद डॉक्टर बावेजा के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं क्या राम ने खुशी मामा का सुखी मामा का सुखी मामा का रोल किया है हरमन सतीजा के रूप में आप गुरमीत गुरनीत सिंह सोडी को देख पाएंगे और कमलेश कुमारी तेजी का रोल कर रही हैं वहीं पे नवीन कौशिक ने पनामा कैफे मैनेजर का रोल किया है अमरदीप बग्गा के रूप में आप हरनेक कौकल को देख पाएंगे विजय लक्ष्मी सिंह सुनीता बग्गा का रोल कर रही हैं साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर कुछ विशेष कैमियोस भी है इसके अंदर आप अनन्या पांडे को स्वयं के रूप में आप देख पाएंगे जो छोटा सा कैमियो कर रही हैं गजराज राव ने एक अपने ही रूप में एक विशेष कैमियो किया है और नेहा शर्मा ने भी इस फिल्म के अंदर सेजल गुरबी गुरबीर की पूर्व प्रेमिका के रूप में फिल्म में काम करती हुई नजर आई हैं जिनका एक छोटा सा कैमियो भी है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो उससे पहले हम इस फिल्म के गानों के बारे में अगर बात करें तो फिल्म का संगीत रोचक कोहली और विशाल मिश्रा के साथ साथ लियो जॉर्ज डी जे चेतस प्रेम हरदीप करण कौज ज औजल इत्यादि ने तैयार किया था इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल आठ गाने रखे गए हैं और फिल्म को रिलीज़ करने से पहले इस फिल्म के रिलीजिंग में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे अब बात कर रहे हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो बता दें कि सलोनी बग्गा एक सेफ है जो अपने रेस्टोरेंट को रेस्टोरों को मेराकी स्टार जीतने का सपना दिखाती है वह अखिल चड्डा से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से गुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं हालांकि जल्द ही उनकी शादियों में समस्याएं आने लगती हैं जिससे वे जिससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है उनके रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और परिणाम स्वरूप वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपत्ति तलाक लेने का फैसला करते हैं सलोनी फिर गुरबीर सिंह पन्नू के एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मसूरी चली जाती है घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है और उसी रात अखिल उसके कमरे में आ जाता है उसे वापस चाहता है और वो दोनों एक साथ फिर रात बिताते हैं और इस मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती हो जाती है बच्चों के पिता का निर्धारण करने के लिए पितृत्व परीक्षण कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह जुड़ुआ बच्चों की मां बनने वाली है मामले को बदतर बनाने के लिए उसे के डॉक्टर ने उसे हेटेपोरेटनल सुपर फैंडक्शन नाम की एक बहुप्रक्रिया का दुर्लभ घटना से परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता हैं ऐसा डॉक्टर का मानना है जो अखिल और गुरबीर सिंह के सामने आ जाती है अब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है तो क्या अब कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है और क्या क्या होता है आगे ये सारी चीज़ें कॉमेडी से लैस हैं वो सारी चीज़ें ही आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी